पहला सवाल अगेन बहुत ही कॉमन है, लेकिन ऐसे सवाल वो होते हैं जहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, टेक्स 5 steps फॉरवर्ड एंड 3 steps बैकवर्ड। ठीक है, हमारे जो इंसान है जो बहुत पिए हुए हैं, ठीक है, वो 5 कदम आगे लेते हैं, जैसे चलते हैं ना भाई, मतलब मेरे को प्रैक्टिस नहीं, कुलदीप सर को ज्यादा प्रैक्टिस होगा, पता नहीं, 5 कदम चलते हैं ना, 5 कदम चल के फिर 2 कदम वापस आते हैं। Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedant. तो कैसे चली बच्चों जिंदगी? On popular demand बच्चों, आप लोगों ने कहा कि सर units and measurements के NCERT solutions के बाद motion in a straight line का भी NCERT solution कर लीजिए। And I do understand कि भाई जो motion in a straight line है, उस chapter है, उसका जो NCERT के सवाल है, actually थोड़े से problematic है। तो इसी वजह से आज का जो हमारा ये सेशन है शायद 60-75 मिनट तक जा सकता है, क्योंकि कुछ सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे, 9th के कॉन्सेप्ट से ही हो जाएंगे, कुछ सवालों में शायद अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो झट से हो जाएंगे, और कुछ सवाल कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद भी थोड़ा सा लंबा चल सकता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल बच्चों अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, तो मेरा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 1 shot जरूर देखिएगा। इनफैक्ट मैंने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन दोनों का 1 shot कर लिया है, तो प्लीज देख लीजिएगा जरूर, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 90 मिनट्स में मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर लिया था, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो। तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अच्छा लगता है तो, और शेयर करना इस वीडियो को अगर ज्यादा अच्छा लगता है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे और वीडियोस को कैसे पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे देखोगे, है ना? तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आखिरी सी चीज, वो भी आपके हेल्प के लिए ही है, कि बेटा हम लोगों ने ना आपके लिए मिड टर्म्स के लिए 5 mock papers बना दिए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के। इसमें आपको एग्जैक्ट पेपर पैटर्न में जो आपका मिड टर्म्स होने वाला है, यानी कि 3 घंटे का पेपर, 80 mark का पेपर, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे, ABCDNE, MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन एंड स्टेप मार्किंग, हमने खुद बनाए हुए हैं 5 पेपर। हर पेपर में 39 questions है जो आपका फॉर्मेट है, तो कुल मिलाकर 200 सवाल के आसपास आपको हमने दे दिए हर सब्जेक्ट का। तो जाइए प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गारंटीड है कि भाई इन्हीं से सवाल आपको आएंगे मिड टर्म्स में, तो मिड टर्म्स में अच्छे से स्कोर करना, ऑल दी बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा, सीधा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल ये रहा, पहला सवाल अगेन बहुत ही कॉमन है, लेकिन ऐसे सवाल वो होते हैं जहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर इस स्क्रीन के सामने खड़ा हूं, तो क्या आप मुझे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का और मेरा जो साइज है उतना डिफरेंट नहीं है, मतलब मैं स्क्रीन का एक बहुत अच्छा भाग कवर कर रहा हूं अभी, है ना? तो साइज हम दोनों का डिफरेंट नहीं है इतना। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहां पर एक छोटा सा डॉट मार दूं, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो डॉट है क्या उसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे कंसिडर कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ये डॉट स्क्रीन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और वैसे अगर यहां पर एक चीटी होगी तो हाँ, चीटी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे कंसिडर की जा सकती है। सो द मुद्दा यहां पर कि भाई जहां पर आपका ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, जिसके रेफरेंस में आपका ऑब्जेक्ट का पोजिशन या मोशन बताया जा रहा है, उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, उसी के बेसिस में बता सकते हो कि क्या आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए देखते हैं कि भाई आपका क्वेश्चन क्या है। पहला, अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन 2 स्टेशन, वो मतलब एक ट्रेन जो 2 स्टेशन के बीच में बिना कोई जर्क के मूव कर रही है। ये जर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जर्क हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, एक ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में मूव हो रही है। तो क्या हम एक ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? 2 स्टेशन के बीच में काफी अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ना, कम से कम भाई मिनिमम, तो मिनिमम मेरे ख्याल से तो 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस होता होगा। तो एक ट्रेन के कंपैरिजन में 20-25 किलोमीटर तो बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी ना, तो इसी वजह से हाँ, हम ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे हाँ भाई, कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल सही। और यही सेम मतलब जो मैंने कहा वही बोलना भी है। एंड डोंट वरी गाइस, मतलब मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दिए हैं सारी चीजों के, विद इमेजेस मैंने दिए हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो एक ट्रेन का विद रेस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन, ट्रेन एक 2 रेलवे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस के हिसाब में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लगता है। उसके अलावा दूसरा क्या है, अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अ मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ मैन, तो क्या एक मंकी और मैन
और मैन भी जो है स्मूथली साइकिलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो डिपेंड करता है कि वो ट्रैक कितना बड़ा है, वो ट्रैक कितना बड़ा है हमें बताया नहीं गया है, तो वी आर गोना अज्यूम कि भाई विद रेफरेंस यहाँ पे मैन हो जाएगा, तो मंकी विद रिस्पेक्ट टू मैन इतना साइज में वेरिएशन नहीं होता है ना, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका जवाब तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि नहीं भाई नहीं, इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि मंकी का साइज और सर्कुलर ट्रैक का साइज हो जाए, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक का डिफाइंड नहीं है, तो हम इंसान के साथ कंपेयर करेंगे, मैन का साइज और एक मंकी का साइज इतना डिफरेंट नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत क्लियर है कि आपका यू नो हाँ द मंकी मे बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इज मच ग्रेटर। हाँ वही बात हो गई कि भाई अगर आपका सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बहुत ज्यादा है तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो आप को इंसान के कंपैरिजन में बिल्कुल आप मंकी का कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो यहां पर आपको बेसिकली वही जवाब लिखना है कि भाई मंकी को आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी कंसीडर करोगे अगर आपका जो सर्कुलर ट्रैक में मंकी मूव हो रहा है वो सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा है, उसका रेडियस अगर बहुत बड़ा है तो आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अगर वो सर्कुलर ट्रैक मतलब मंकी यहीं से ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो सर्कुलर ट्रैक के हिसाब में आपका मंकी का जो साइज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप मे बी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, मे बी विद अ कंडीशन। ठीक है, सी देखते हैं, तो स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, तो एक बॉल है क्रिकेट ग्राउंड में आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो बॉल है ये आपने क्रिकेट ग्राउंड में फेंका, आप बॉलर हो, आपने फेंका और वो टपकता है, टपक के बैट्समैन के पास जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, भाई बैट्समैन ने हिट किया तो ठीक है, तो बैट्समैन तक ही वो बॉल गया, अगर मान लो कि ये बॉल टपका और बैट्समैन ने हिट नहीं किया तो वो विकेट कीपर के पास गया, अब मान लो विकेट कीपर ने भी छोड़ दिया तो मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स आपके पीछे वाले फील्डर या तो मैक्स टू मैक्स के चौके तक जा सकता है ना, बाउंड्री तक जा सकता है, तो अगर आप देखोगे तो जो बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है ग्राउंड में वो बहुत कम है, ये वो रेलवे ट्रैक और ट्रेन का सिचुएशन नहीं है जहां पर इतना बड़ा रेलवे ट्रैक 20-25 किलोमीटर दूर जिसके बीच में एक ट्रेन दौड़ रही है तब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन जो बॉल टपक के सीधा बैट्समैन तक जा रही है जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो हार्डली फ्यू मीटर्स है, तो उसके कंपैरिजन में जो बॉल का जो मूवमेंट है उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे कंसिडर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि भाई छोटी से हो, ये भी इंपॉर्टेंट कि भाई वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड हो कितना मैक्सिमम है, जब हमने चींटी का एग्जांपल भी लिया था तो चींटी के कंपैरिजन में ये बोर्ड एक बहुत इन्फिनाइट लेवल पे है, बहुत बड़ी साइज की, क्योंकि चींटी को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरे लिए ऐसा नहीं, मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा तो भाई पूरा स्क्रीन कवर हो गया है ना, तो वैसा नहीं है, तो ये भी ध्यान देना कि मोशन कितना होना चाहिए। ओके, तो सी का पार्ट समझ में आ गया, अब डी देखते हैं, तो ये सी तो भाई आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, डी, अ टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, मतलब एक बीकर जो होती है वो एक ग्लास साइज की होती है या तो फिर आप देख सकते हो ये बॉटल साइज की तो जरूर होती है, तो जब ये बॉटल जो है टेबल से गिरती है तो टेबल से कितना खत्म ना, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और बीकर का जो टेबल का साइज है, ऑफ कोर्स सही बात है साइज के कंपैरिजन में भी और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है उसके कंपैरिजन में भी वी कैन कंसीडर कि भाई आपका बीकर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, है ना, तो ये भी आपका डी कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो पहले ए और बी है, ए तो फॉर श्योर है, बी मे बी है, डिपेंड्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक, सी और डी तो भाई पूरा का पूरा फॉल्स है। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल वैसे हैं जिनमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा कटते हैं बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो भी सवाल है उस पर अच्छे से वक्त दे करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना मेरे लिए इस वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि फॉर्मूला है कर लो भाई बात खत्म, लेकिन वहां पर वो ऐसा नहीं होता है ना, वहां पर सोचना पड़ता है, बहुत सारे लगते हैं कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी है वो भी पॉसिबिलिटी, इसलिए गिविंग प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई ये क्या है, पहले तो सबसे पहले एक ग्राफ ठीक करते हैं, तो जो एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ ना थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो पहले तो मैं एक ग्राफ ठीक कर देता हूँ, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा ऐसे, और इन दोनों का टाइमिंग एकदम सेम होना चाहिए, है ना, ऐसे मेरे ख्याल से होगा आपका ग्राफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द पोजिशन टाइम एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओवर टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन। ठीक है, आपका ए और बी है, आपका P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ठीक है, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है, मान लेते हैं ये ग्राफ जितना मैंने देखा हुआ है गलत है, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ऐसा ग्राफ आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियली इस तभी जवाब आएगा, इसका वरना जवाब नहीं आएगा, आप कंफ्यूज रह जाओगे, ग्राफ इज दिस, Q इज हियर। ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो बच्चे हैं जो आपके स्कूल से अपने अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, तो ए जो बंदा है, ए जो बच्चा है वो पी है उसका घर, ठीक है, एक ए का पी है घर, और बी जो बच्चा है उसका जो घर है वो क्यू पर है। ठीक है, वो अपने अपने रास्ते से भाई वो घर जा रहे हैं। ठीक है, उनका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को दिया हुआ है,
अब जो सवाल पूछा उसके बेसिस में जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सवाल क्या, सबसे पहला चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स, इनमें से करेक्ट एंट्रीज को हमें देखना है। डैश लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन डैश, मतलब ए और बी में से स्कूल से ज्यादा नजदीक कौन रहता है अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। तो भाई अगर हम ए की बात करेंगे तो ए स्कूल ए के लिए स्कूल यहां से शुरुआत होती है और यहां तक, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वक्त के हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई टी यहां तक पहुंची। दूसरा अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो बी का जो डिस्टेंस ट्रेवल है आप देखोगे यहां से यहां तक जा रही है ना, तो ऑफकोर्स ही बात है भाई आपका डिस्टेंस, मतलब अगर मेरा डिस्टेंस मैं देख लेता हूं तो जो बच्चा है वो उसको ए वाले बच्चे को पी तक जाना है और बी वाले बच्चे को क्यू तक जाना है, तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है, आपका क्यू वाला ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो ज्यादा दूर किसका है, बी का है और कम दूरी ए का है। सो हु लिव्स क्लोजर, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, बस क्लियर हो गया, ए लिव्स क्लोजर देन बी, पहला कदम। दूसरा, तो सब ग्राफ देखे आपको जवाब देना, कुछ और नहीं देना। दूसरा क्या देता है भाई, डैश स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन डैश, ये तो एकदम क्लियर है ना, आप देखोगे ए जो है बी से पहले शुरू करता है, ए यहां जीरो सेकंड पे शुरू कर देता है और बी, ये तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये तो डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये जीरो सेकंड पे शुरू करता है और बी देखो आप मान लो 10 सेकंड, मतलब थोड़ी देर बाद शुरू करता है ना, सो ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, डैश वॉक्स फास्टर देन डैश, डैश वॉक्स फास्टर देन डैश, यानी कि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है। अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि एक डीटी ग्राफ में आपका स्लोप आपको स्पीड देता है, क्या देता है भाई, स्लोप आपको स्पीड देता है ना, ये पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो स्लोप यहां पर किसका ज्यादा है, क्लियर कट बात है कि भाई स्लोप आपका बी का ज्यादा है ना, बी का ये जो स्लोप क्या होती है, द एंगल मेड बाय द कर्व एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज व्हाट स्लोप इज, तो बी का जो एंगल है वो ऑफकोर्स ही बात है आपके ए से बहुत कहीं कहीं गुना ज्यादा है ना, तो बी वॉक्स फास्टर देन ए, बी वॉक्स फास्टर देन ए, इसी वजह से देखो वो सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं, देखो ए बी से पहले निकल गया स्कूल से, फिर भी ए और बी साथ में पहुंचे हैं, देखो साथ में घर तक पहुंचे हैं, पी पे ए पहुंच गया, क्यू पे बी पहुंच गया, साथ में घर पे पहुंचे, क्यों, क्योंकि बी आपका ए से ज्यादा स्पीड ट्रेवल करता है, ठीक है, तो ग्राफ देखे पहचानना है इसमें, ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे बी वॉक्स फास्टर देन ए, क्लियर हो गया, खत्म। नेक्स्ट, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, है ना, ग्राफ हम मैंने सीधा कर दिया था, अगर मैं ये सही नहीं बना देता तो आप क्या बोलते कि सर देखो ए तो यहीं पे खत्म हो रहा है ना, तो आप बोलोगे सर बी यहीं पे खत्म हो जा रहा है, तो ए इज रीचिंग, सॉरी बी इज रीचिंग फास्टर एज कंपेयर टू ए, ऐसे आप बोल देते, लेकिन वो गलत है। आप किसी भी सोल्यूशन उठा के देख लो, एनसीईआरटी का ये सवाल का सोल्यूशन किसी भी किताब में देख लो, आपको बोला जाएगा कि भाई ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, तो इस सवाल ने मेरे को ही परेशान किया था, तब मैंने फिर फिगर आउट किया कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये गलत ग्राफ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इनकम्प्लीट ग्राफ दिया हुआ है, एक्चुअली आपका कर्व यहां पर खत्म नहीं होता है, एक्सटेंड होके ये दोनों सेम डिस्टेंस में कवर खत्म होते हैं, ठीक है, तो आपका बी और ए सेम टाइम पे घर पहुंचते हैं, ठीक है, बराबर हो गया, चलो हो गया। नेक्स्ट बेटा, ई डैश ओवरटेक्स डैश ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, ये तो बहुत आसान है, ए जा रहा है और बी यहां पर शुरू हुआ, ठीक है, तो वॉट ओवरटेक्स वॉट, वॉट ओवरटेक्स वॉट, इस पॉइंट पे कौन सा किसको ओवरटेक कर रहा है, ए ऐसे जा रहा था तो इसको बी ने ओवरटेक कर दिया, ओवरटेक कौन करता है, जो ज्यादा तेजी से जाता है ना, ओवरटेक कौन करता है, जो ज्यादा तेजी चल रहा हो, अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो मुझे कोई और ओवरटेक करेगा, मैं किसी को ओवरटेक करूंगा अगर मैं उससे ज्यादा स्पीड में चल रहा हूं, तो बी हमने प्रूव कर दिया कि भाई वो ए से ज्यादा स्पीड में चल रहा है, उसका स्लोप ज्यादा है, तो बी ओवरटेक्स ए, बी ओवरटेक्स ए, तो बी ने ए को ओवरटेक किया है और एक ओवरटेक किया ऑन द रोड, एक ही बार ओवरटेक किया ना, बस एक ही बार इंटरसेक्शन हो रही है, तो एक बार इंटरसेक्शन हो रही है मतलब एक ही बार वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लोकेशन में वो दोनों एक ही बार मिले हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन एक ही बार हो रहा है, तो लोकेशन एट वंस, ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका ए, काफी अच्छा सवाल है, इस एक सवाल से जो ग्राफ पढ़ने की क्षमता है आपकी वो इंप्रूव हो जाती है, ठीक है बेटा, तो दूसरा सवाल भी हो गया, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी सवाल में ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी अवेलेबल, मैं कमेंट्स देखूंगा, मैं आपके रिस्पॉन्ड करूंगा, कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई सिंपल से सिंपल तरीके से आपका जवाब देते जाऊं, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि प्लीज इससे पहले वो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का वन शॉट जरूर देख लीजिएगा, वरना आपके एनसीईआरटी सारे के सारे सॉल्यूशंस बाउंसर जाएंगे, ठीक है बेटा, चलो अब आगे देख लेते हैं भाई, इसका जवाब फिर भी देख लेते हैं, ए लिव्स क्लोजर देन बी, हाँ ये हमने देख लिया, ए स्टार्ट्स अर्लियर, ये भी देख लिया,
स्लोप बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, सो बी वॉक्स फास्टर, करेक्ट है. ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, देख रहे हो सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड्स वन, ठीक है, सब हमने बिल्कुल बराबर लिखा हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन. टोटल 18 सवाल है बच्चों, अभी हम तीसरे सवाल पे, ठीक है. अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, 9 बजे एक हमारी जो वुमेन है वो शुरू करती है फ्रॉम होम. तो शुरुआत में उनकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, बट शुरू होती है वो वहां से 9 AM को शुरू करती है. तो मान लो कि आपका जो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, वो आपका शुरुआत का जो वक्त है वो आपका 9 बजे, ठीक है. ओके, शुरू किया. वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 5 km/h ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km वे. तो बता, हमारी जो वुमेन है, हमारी जो लेडी है, वो घर से निकलती है. घर से निकलकर 5 km/h के रफ्तार से वो 2.5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस तक जाती है. तो उन्होंने कितना वक्त कवर किया, कितने वक्त में ऑफिस पहुंच गए होंगे, दिमाग लगाओ यार. 5 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कवर करती है वो, 5 किलोमीटर अगर वो 1 घंटे में कवर करती है, तो आधे घंटे में कितना कवर करेगी, 2.5 किलोमीटर. उनका ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर, है ना. तो वो आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाती है. क्लियर है, समझ में आया, ठीक है. तो यानी कि 9:30 AM को, मतलब 9 AM से 9:30 AM तक उनकी स्पीड क्या है भाई, 9 AM टू 9:30 AM तक उनकी स्पीड है 5 किलोमीटर/घंटे, और वो अपने ऑफिस पहुंच चुकी है 2.5 किलोमीटर दूर, बराबर, ठीक है. आगे क्या है, तो इस पूरे सवाल को समझो, फिर आगे क्या पूछा है देखेंगे. स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, टिल 5 PM वो रेस्ट पर है भाई, टिल 5 PM वो ऑफिस में ही है, रेस्ट पे है, वहां पर घूम फिर रही है, लेकिन ऑफिस के बाहर नहीं आ रही है, तो ये रेस्ट पे. तो अगेन इनकी यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहीं के वहीं है, वो मूव नहीं हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो, वापस आते हुए वो ऑटो ले रही है, ठीक है. ऑटो लिया विद अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर/h. अब यहां पर उनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, 5 किलोमीटर/घंटे चलते वक्त तो 5 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से चल रही थी, ऑटो में आते वक्त उनकी स्पीड थोड़ी कम हो गई. क्या सवाल या तो एनसीईआरटी अपनी बदनामी कर रहा है, तो बेचारे ऑटो वालों की, ठीक है. तो एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर/h, ठीक है. तो वापस 2.5 किलोमीटर/h, मतलब भाई 2.5 घंटे का, मतलब 2.5 किलोमीटर दूर उनका घर था, और 2.5 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से आ रही थी, तो उनको कितना वक्त लगा होगा कवर करने के लिए डिस्टेंस, घर पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा. चलो मान लो ट्रैफिक है, तो भाई उनको लग गया होगा 1 घंटे का वक्त, क्योंकि 2.5 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार है ना, तो 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलेगा, और 2.5 किलोमीटर उनका घर दूर है. तो 1 घंटे के बाद यानी कि 6 बजे तक, मतलब 5 से 6 बजे तक उनकी स्पीड थी 2.5 किलोमीटर/h, ठीक है बेटा, बराबर. और उसके बाद वो घर पहुंच गई और उन्होंने 2.5 किलोमीटर कवर किया, बराबर. तो ये हमारा फैक्ट बन चुका है, हमारा ये डेटा टेबल बन चुका है हमारा. अब आगे क्या पूछा देखते हैं. चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ अवर मोशन. हमें यहाँ पर एक्सटी ग्राफ बनाना है. एक्सटी ग्राफ मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, जो अभी काफी आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए भी, तो मैं भी बना देता हूँ, क्योंकि टेबल बन चुकी है तो अभी मामला बहुत आसान है, ठीक है. चलो, ये आपका एक्स है, यानी कि ये आपका डिस्टेंस है जो हम लिखेंगे किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर में सारी वैल्यूज दी गई हैं. और ये आपका टाइम है जो घंटों में होगा, क्योंकि सारी बातें हम घंटों में कर रहे हैं, ठीक है. अब हमारे जो t इज इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ये t इज इक्वल टू जीरो क्या है भाई, 9 बजे का वक्त है ना, ये कितने बजे का वक्त है, ये 9 बजे का वक्त है, ठीक है. ओके, 9 बजे को वो घर पर है, तो हमारे लिए वो डिस्टेंस भी जीरो है. 9 बजे को वो घर पर है, उनका डिस्टेंस हमारे लिए जीरो है. 9:30 AM को 2.5 किलोमीटर वो कवर करती है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये स्पीड वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर वेलोसिटी स्पीड का कोई काम नहीं है, हमें बस ये देखने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने. तो हम बोलेंगे कि भाई 9 से 9:30 जब हो जाता है, 9 से 9:30 जब हो जाता है, तब वो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ना. तो आप मान लो कि अगर यहां पर 2.5 किलोमीटर है, इफ दिस इज 2.5 किलोमीटर, ठीक है, तो 9:30 को उनका डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर हो जाना चाहिए, ठीक है. 9:30 को उनका डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर हो जाना चाहिए, बराबर है, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो ऑफिस में ही है 9:30 से 5 बजे तक, 9:30 से 5 बजे तक उनका डिस्टेंस नहीं बदला है, वो ऑफिस के अंदर ही है. तो 9:30 से लेके मान लेते कि भाई यहां पर 5 बजे, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ग्राफ को ना ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके ऐसे लिख देते हैं, ऐसे मतलब कि भाई क्योंकि 5 बजे तक मैं लेते जा रहा हूँ, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12:30 ऐसे करके जाता रहेगा. इसका मतलब होता है कि भाई बीच में हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पर हम पहुंच गए, यहाँ पर हमारा भाई वक्त क्या है, 5 बज चुके हैं. 5 बजे को हम देखते हैं कि भाई साहब हमारा जो
हमारी जो लेडी है वो 2.5 घंटे के डिस्टेंस पे ही है, वो ऑफिस में ही अभी तक, तो उनका कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, उनके डिस्टेंस में कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ, तो सीधी लाइन बनी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो वापस घर आती है और 1 घंटे में वापस घर आ जाती है, तो शी इज़ हैविंग अ रिटर्न यू नो जर्नी, तो अगर मैं वापस आते हुए उनका डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो नेगेटिव होना चाहिए, और तो ये आपका पॉजिटिव था, वापस आते हुए तो नेगेटिव होना चाहिए, तो 5 से 6 बजे ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 PM में लिख देता हूँ यहाँ पर। बस दिक्कत इतनी है कि भाई इन्होंने सिर्फ 2.5 किलोमीटर कवर किया है, ये हो गए 6 बजे, बस ये ज़्यादा वक्त लगेगा यहाँ पर क्योंकि 5 से 6 बजे वक्त हमने दिखा है और यहाँ पे 1/2 घंटे में पहुँच गया, तो ये आपका ग्राफ बन जाना चाहिए आइडियली, आपको यहाँ पर इसके अलावा कुछ और नहीं करना, दैट्स इट। तो बस आपको वो सवाल समझना था, सवाल समझ के वो टेबल बनाना था, मतलब टेबल नहीं बनाओगे तो चलेगा, डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो, इतनी क्षमता आपके अंदर तो बिल्कुल बनाओ भाई, मेरा काम आपको समझाना कि ये ग्राफ बन कैसा रहा है, इस बेसिस से बन रहा है, ठीक है। तो बन गया यहाँ पर, चलो एक बार देख लेते हैं कि भाई सारी चीज़ सही कि नहीं, जो वैल्यूज दी गई उसके हिसाब से तो सही लग रहा है मेरे को बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ पर ओ यहाँ पर एक चीज़ मेरे को डिफरेंट लग रही है कि हमारे ग्राफ में 9 से 9.5 बराबर 2.5 किलोमीटर बराबर है, फिर वो 5 बजे तक यहीं पे थे, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई 5-6 मिनट को ये पहुँच गए, 5:06 पे, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा तो बिल्कुल बराबर था। हाँ तो वन थिंग आई एम सीइंग इज कि भाई अच्छा सवाल यहाँ पर गलत दिया हुआ है गाइस, आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम, कि आप देख सकते हो यहाँ पर ना 2.5 नहीं है 25 होना चाहिए, तब जाकर आपका जवाब बिल्कुल सही से आएगा जो वहाँ पर दिया हुआ है। वही मैं जैसे हमने बोला था कि ऑटो की स्पीड, हमने मजाक भी उठाया ऑटो का कि भाई ऑटो की स्पीड कम क्यों हो गई है, करेक्ट है। सो मेरे ख्याल से आप लोग शायद चैट में भी या स्पैम कर रहे होंगे कमेंट्स में भी कि सर ये 2.5 नहीं 25 है, एनसीईआरटी में 25 दिया होगा, सॉरी गाइस मेरी गलती है, ये सवाल हमने गलत दिखा यहाँ पर, तो ये एक्चुअली 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रही है ना, तो 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रही है, तो भाई कितना वक्त लग जाएगा आपके क्या कहते हैं घर पहुंचने में, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो टाइम कितना वक्त लगेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है भाई, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वक्त कितना लगा और स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये हो गया 1/10, 1/10 माने 1/10 of an hour, 1/10 of an hour अगर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो वो 6 मिनट होती है ना, सो 1/10 of an hour इज बेसिकली इक्वल टू 6 मिनट्स बराबर है, अब तो आपका सही हो गया क्योंकि 6 × 10 इज 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर, तो 1/10 of an hour, तो ये अभी हमारा बराबर हो गया। मुझे लगा था कि भाई यहाँ पर हमारी गलती हुई, कोई बात नहीं, हमने अपनी गलती सुधार भी दी, ठीक है, चलो बिना किसी की हेल्प के आ जाओ बेटा। तो ये हो गया आपका, ये ग्राफ बराबर है, बस यहाँ पर फिर 5:06 पर हमारी जो लेडी है वो घर पहुंच चुकी है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा जो इस ग्राफ से एकदम इक्वल टू होगा, ठीक है बराबर, चलो परफेक्ट गाइस। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो, इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट इज इट, क्वेश्चन नंबर 4 पर भी हम आ चुके हैं, द क्वेश्चन सेज दैट अ तो वो सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ड्रंकेड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 steps forward and 3 steps backward, ठीक है, 5 कदम आगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3 कदम पीछे, ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो आफ्टर एवरी एफर्ट वो सिर्फ 2 कदम आगे जा पा रहे, ठीक है, ओके इंटरेस्टिंग, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on, each step is 1 meter long and requires 1 second, ठीक है, तो हर कदम जो है वो 1 meter लंबा है और 1 second लेता है, ठीक है, तो यानी कि वो 5 कदम, यानी कि 5 में अभी कदम वदम छोड़ लो, 5 meter आगे जाते हैं, 3 meter वापस आ जाते हैं, तो बचा कितना 2 meter, ठीक है, तो हर बार वो 2-2 meter करके आगे बढ़ रहे हैं, और इनको लेकिन वक्त कितना लग रहा है, हर बार उनको लग रहा है 2 meter कवर करने के लिए 8 second, क्यों 8 second, 5 meter आगे तो 5 second आगे, 3 meter पीछे तो 3 second पीछे, तो टोटल 8 seconds लग रहे हैं उनको 2 meter कवर करने के लिए, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमें, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 meter अवे फ्रॉम द स्टार्ट, 13 meter दूर हमारा एक गड्ढा है, उस गड्ढे में गिरने के लिए
हमें ये पता करना है कि भाई कितना वक्त लगेगा, है ना, वक्त निकालना ना, डिटरमाइन ग्राफिकल अदरवाइज हाउ लॉन्ग दंगर टेक्स, कितना स्टेप लगेगा उनको और कितना वक्त लगेगा उनको, है ना। चलो निकाल देते हैं भाई आराम से, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है दोबारा, बड़े प्यार से बनाते हैं। ये ऐसे सवाल ना बहुत इंटरेस्टिंग होते करने में। चलो आ जाओ, ठीक है, ये हमारा ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस हम मीटर में लेंगे ऑफकोर्स, और ये हमारा टाइम है जिसको हमें सेकेंड्स में लेना है ना, हर सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हमारे जीरो सेकंड से, ठीक है, शुरुआत करते हैं जीरो सेकंड से। तो क्या हुआ यहां पर, वो 5 मीटर सामने की तरफ गए, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ है समझ लीजिए, 5 मीटर वो सामने की तरफ गए, किसकी तरफ, सामने की तरफ, ओके। तो 5 सेकंड मान लो ये 5 है, ठीक है, 5 सेकंड वो 5 मीटर सामने की तरफ गए, तो यहां पर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, 5 सेकंड में वो 5 मीटर गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो 3 सेकंड उल्टे आए, है ना। तो 3 सेकंड मतलब भाई यहां से यहां तक अगर ये 10 सेकंड होता है तो यहां पर कहीं पे 8वां सेकंड होगा, है ना, यहां पर कहीं पे 8वां सेकंड होगा, तो 8वें सेकंड पे वो 3rd मीटर पे आ गया, करेक्ट है। तो यहां पर हमारा ग्राफ कटेगा, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, बराबर है, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, तो बचा कितना, अरे 3 मीटर पीछे होगा ना, सॉरी माई मिस्टेक, अगर वो 3 मीटर पीछे आ रहे हैं, अगर वो 3 मीटर पीछे आ रहे हैं तो आप 2 मीटर पर रुकोगे, अगर आप, हाँ ठीक है, अगर आप 3 मीटर पीछे आ रहे हो तो 5 के बाद 3 माइनस करो तो 2 मीटर होता है ना, हाँ, तो आप बराबर, ठीक है, बराबर, ओके, तो 8वें सेकंड पे आप 2 मीटर पर रहोगे, 2 मीटर पे, बराबर, अब सही हुआ, ठीक है। तो ये आप 5 मीटर आगे गए, 3 मीटर पीछे आ गए, तो 2 मीटर पर अभी आप, अब क्या हुआ, इसके बाद फिर 5 सेकंड आगे जाओगे आप 5 मीटर दूर, तो 8वें सेकंड पे हो, 8वें सेकंड के बाद आपका 5 सेकंड मतलब 10 के बाद ये 15 आ जाता, मैं ये लिख देता हूँ 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब 8वें सेकंड के बाद 5 सेकंड में ऐड करता हूँ तो वो 13 सेकंड्स होता है, तो 10 के बाद 11, 12, 13 आप मान लो कि यहाँ पर है 13 सेकंड्स, ठीक है, 13 सेकंड पे आप यहाँ पर हो, और 2 मीटर से 5 मीटर ऐड करोगे तो कहाँ पर पहुंचोगे, 2 मीटर से 5 मीटर 7 मीटर पहुंचोगे, तो 7 मीटर प्रॉब्लम मान लेते हैं कि 5 यहाँ पर है तो 6, 7 यहाँ पर होगा कहीं पे, ठीक है, मान लेते हैं 7 मीटर यहाँ पर है, तो आपका 13 सेकंड 7 मीटर यहां पर होगा, ठीक है। तो ये गए फिर आप ऊपर, फिर 3 मीटर वापस आओगे 3 सेकंड में, तो 13 सेकंड के बाद 3 सेकंड 16 सेकंड्स, तो 16 सेकंड आप यहां पर पकड़ लीजिए, 16 सेकंड आप यहां पर हो, और 3 मीटर पीछे मतलब 7 से 3 मीटर पीछे, तो 4 पे आ गए आप, कहां पर आ गए, 4 पे, तो 7 के बाद 6, 5, 4 मतलब यहां पर होगा आपका 4 मीटर, तो ये 16 सेकंड और ये 4 मीटर आपका यहां पर होना चाहिए ग्राफ, बराबर, ठीक है, परफेक्ट है, ओ ऑसम। अब 4 प्लस 5 मीटर, अभी और 5 मीटर जाना है, 13 मीटर तक जाना है, जब तक गड्ढे पे नहीं गिरते हैं, तो 16 सेकंड के बाद 5 सेकंड और ऐड में करता हूं तो होता है 21 सेकंड, 21 सेकंड आपका कम से कम यहां पर आएगा, और 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 होता है, तो 9 होगा तो 5, 7 और मान लीजिए यहां पर 9 है, तो ये 21 सेकंड और 9 मान लेते कि यहां पर आ रहा है, तो ये 9 पे आप पहुंच गए, फिर वही कहानी 3 सेकंड पीछे, तो 3 सेकंड मतलब 21 के बाद 24 होता है, 22, 23, 24 यहां पर होगा, और आप 3 मीटर पीछे मतलब 9 से 3 मीटर पीछे होता है 6 मीटर, कहां पर हो गए आप, 6 मीटर यहां पर हो गए 6 मीटर, ठीक है, तो दिस वुड बी समवेयर हियर, ग्राफ बनते जा रहा है, बस हो गया, अब इसके बाद 2 ओवर बनेगी मेरे ख्याल से, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो 2-2 मीटर करके। 21 सेकंड के बाद जो नेक्स्ट 5 सेकंड होता है वो होता है आपका 21 सेकंड ना, 24 सेकंड था ना, 19 प्लस 5, नहीं भाई 21 था, 21 प्लस 3 24 हुआ, हाँ करेक्ट, वही इतना सारा है यार, 24 प्लस 5 29 सेकंड्स, 29 सेकंड्स आप यहां पर पहुंचे हो, और यहां से 5 मीटर दूर जाना है, मतलब 6 से 5 आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 11 मीटर, तो यहां पर 10 होगा तो यहां पर होगा आपका 11 मीटर, तो आप 11 मीटर तक जा रहे हो 29 सेकंड्स तक, ठीक है, 29 सेकंड्स तक आपका यहां पर होगा, तो 11 मीटर तक पहुंचे। इसके बाद वापस फिर 3 सेकंड वापस आना है, 3 मीटर वापस आना है, तो 3 मीटर वापस आता हूं मैं 11 से, तो 11 10 10 से 9 9 से 8 8 पे पहुंच गए आप, ठीक है 8 पे पहुंच गए, और यहां पर टाइम भी देखूंगा तो भाई आपका कितने पे आप पहुंचे हो, 29 सेकंड्स पे 11 मीटर पे पहुंच चुके हो 29 सेकंड्स पे। अब मैं अगर 3 सेकंड और लेता हूं तो 32 होता है, तो 32 सेकंड्स पे आप पहुंचे हो हमारे 8 मीटर दूर, है ना, तो यहां पर आपका 8 मीटर होना चाहिए 32 सेकंड्स पे, परफेक्ट, ओके। तो आप देखो भी आप 8 मीटर पहुंच चुके हो,
8 मीटर प्लस 5 मीटर करते हो तो 13 मीटर होता है। अब 13 मीटर पे पहुंच चुके हो अभी, ठीक है, यानी कि गड्ढे पे गिर चुके हो। तो यानी कि 32 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स अगर आप ऐड करते हो तो 37 सेकंड्स होता है। 37 सेकंड्स में आप पहुंच चुके हो आपका 13 मीटर यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कार्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। तो आपका सवाल पूछ रहा था कि भाई आपका जो बंदा है वो 13 मीटर दूर गड्ढे पे कब गिरेगा, 37 सेकंड पे गिरेगा, और ये हमें ग्राफिकली निकालना था तो हमने निकाल दिया यहाँ पर। सही बेटा, तो दैट इज ऑल, आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब, मतलब मजा आया। 37 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, वी हैव डन अ गुड जॉब गाइस, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई कुछ सवाल कितना वक्त ले रहे हैं, बट कैन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन योर स्कूल एग्जामिनेशन, ओनली योर स्कूल टीचर्स नो। तो हमारा काम क्या है कि हमारा काम है कि भाई हम सारे सवालों को लेकर रेडी रहे, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो। ग्राफ भी बराबर अच्छा बनाया हमने काफी, है ना। चलो अब आ गए हम पांचवे सवाल पे। क्या सवाल है भाई, आई थिंक दिस गोइंग टू बी माई फेवरेट क्वेश्चन टूडे बिकॉज दिस लुक्स लाइक इट कैन बी सॉल्व फ्रॉम क्लास 9th कॉन्सेप्ट। देख बार देख ले क्या सवाल है। चलो, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड आपको दी जा रही है 126 किलोमीटर पर आवर, और एक अच्छे बच्चे की तरह आई थिंक हमें इसे कन्वर्ट कर देना चाहिए मीटर्स पर सेकंड में, क्योंकि बाद में डिस्टेंस 200 मीटर में दिया हुआ है। तो स्पीड को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स पर सेकंड में इंटू 5/18 करके, है ना। हमारी सेम कहानी होगी भाई, 5/18 से करना होगा। ये कटेगा मेरे ख्याल से 9 से, कटना तो चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो 9 दो बार, और ये होगा 9 एक बार, और 3 तो 9 चार बार, कट गया बराबर। तो 2 एक बार, 2 सात बार, तो जवाब यहाँ पे आ जाता है 35 मीटर्स पर सेकंड। आपकी स्पीड दी गई है 35 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है बराबर। अब आगे क्या है, ब्रॉट टू अ स्टॉप, अचानक से गाड़ी को रोक दिया गया, तो ऑफकोर्स ये बात है आपकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, कितना भाई स्टॉप करने के बाद डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 200 मीटर का डिस्टेंस यहाँ की डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, आपको यहाँ पर रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन निकालनी है, और यहाँ पर कितना वक्त लगता है टाइम वो भी निकालना है। बहुत ही अमेजिंग ईजी सवाल है ये। आपको डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, अरे ये तो एस क्यू लिखा मैंने भाई, इसको इनिशियल वेलोसिटी लिखा ना, स्पीड लिखा था मैंने, अच्छा ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तीनों दी गई हैं, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई इसमें डबल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, निकाल देते हैं भाई जल्दी से आ जाओ। तो आपकी होगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s बराबर। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, कितनी है फाइनल वेलोसिटी, जीरो दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 35 है, तो 35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 200 मीटर, बहुत बढ़िया भाई 200 लिख दो यहाँ पर, चलो ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, माइनस 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200, ओए होए होए, 5 से काटे तो 5 सात बार, और ये 5 जाएगा 40 बार, ठीक है। दोबारा 5 से काटे तो 5 सात बार, और ये जाएगा आपका 5 8 बार, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरी वैल्यू आ रही है माइनस 49 डिवाइडेड बाई 16, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करें तो भाई 16 तीन बार जाता है 48, फिर एक बचता है, नेगेटिव वैल्यू है, रिटार्डेशन हो रही है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, 3.1 बचा, एक में फिर मैंने पॉइंट डाला तो जीरो आया, फिर एक और जीरो आएगा, है ना, तो बन जाएगा वो 100, तो 3 माइनस 3.0 मेरे ख्याल से 48.96 ना, हाँ 48.96 होगा, हाँ बराबर। तो फिर आपका वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए माइनस 3.06 मीटर्स पर सेकंड्स पर आपका डी एक्सेलरेशन होना चाहिए। नेगेटिव आ गई वैल्यू तो डी एक्सेलरेशन हो रही है। अब टाइम निकालना है, टाइम भी आराम से निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास पहला इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, आप दूसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, दूसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में आसानी है कि भाई ये v पूरा जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, t बन जाएगा आपका माइनस यू बाई ए, है ना, u को आप यहाँ लाए तो माइनस यू हुआ, फिर a डिवीजन में आ गया। सो t विल बी इक्वल टू माइनस यू कितनी है 35, और a कितनी है आपकी भाई, a आपका 3.06 है ना, तो आप कर दीजिए 3.06, या तो आपको अगर चीजें आसान बनानी है तो आप 49/16 भी ले सकते हो, ठीक है। तो माइनस 49/16 आपने ले लिया, ये आसान कैसे बनाएगा आपके लिए, क्योंकि देखो 35 और 49 आराम से 7 से कट जाएगा ना, फिर आपको डेसिमल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 7 5 35, 7 7 49, आराम से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव कट गई, 16 ऊपर गया, 16 5 कितना होता है भाई, 6 5 33 कैरी, 5 1 5 5 3 80 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। अब आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हो 80/7, तो कितना हो जाएगा 7, ऑफ कोर्स ही बात है भाई 7 11 बार तो जरूर जाएगा,
है ना, तो 7:11 हो गया आपका 77 बचा 3, तो पॉइंट लगा 11.4 सेकंड्स आपकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल 9th का कॉन्सेप्ट था, जहां पर आपने क्योंकि 11th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है इसलिए सेम कॉन्सेप्ट आ गया। 3.06 माइनस और 11.4 सेकंड्स होना चाहिए, 11.4 है माइनस 3.06 है, बोलो बल्ले बल्ले, फोड़ दिया बच्चों। ठीक है, हाँ जी, 6th सवाल आता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इससे बहुत सारी चीजें हमें ग्राफ के बेसिस में समझ में आने वाली है, लेट्स सी कि ये क्या है। ठीक है, तो सब यहां पर ध्यान से देखिएगा। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर्स पर सेकंड। तो अब यहां पर देख सकते हो कि हमारे प्लेयर है, प्लेयर जो है ऊपर के डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो यहां पर बताया जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। अगर हम ऊपर जाने वाले मोशन को पॉजिटिव मानते हैं तो हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो भाई तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है पॉजिटिव है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हम जानते हैं इस बात को, हम बहुत क्लियरली जानते हैं जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है 9 ग्रेड से हम जानते हैं कि वो डीएक्सीलरेट करती है, क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है और उस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। सो डायरेक्शन ऑफ योर एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड एंड योर जी इज एक्चुअली नेगेटिव, ये एकदम क्लियरली हम बराबर लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल पहला जो पार्ट था। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब यहां पर होगा ऊपर के डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना, परफेक्ट। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। हमारे जो बॉल है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है फिर वापस आ जाता है, इस मैक्सिमम हाइट में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं ये कहानी कुछ छिपी हुई नहीं है, हम जानते हैं कि भाई इस मैक्सिमम हाइट में आपकी वेलोसिटी जीरो होती है ना, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट रुकती है फिर वापस आती है, अगर वो रुकती ही नहीं तो फिर वापस कैसे आती है, लेकिन रुकती ही नहीं तो भाई वैसे ही चले जाते हैं ना, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर वेलोसिटी तो भाई जीरो हो जाती है, लेकिन क्या आपका एक्सेलरेशन भी जीरो है, नहीं, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्टिल -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी ऑब्जेक्ट वहां पर रुक गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो अर्थ है उसे खींच नहीं रहा है, अर्थ उसे तब भी एक ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है और उस ग्रेविटेशन फोर्स से जो एक्सेलरेशन होगी वो तब भी 9.8 ही होगी, नीचे डायरेक्शन तो नेगेटिव होगी, बात खत्म, मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या है, चूज द एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर एंड टी इज इक्वल टू 0 सेकंड्स टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जैसे ही ऐसे ही बोलते हैं ना कि अज्यूम तो फिर टेंशन होती है। ठीक है भाई, ये मान लो हमारा मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। अब बोल रहे हैं कि इस मैक्सिमम हाइट को मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू 0 है यहां पर एंड टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 0, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मान लेता हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीजिए, एंड गिव द साइंस ऑफ पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब जब ये ऑब्जेक्ट अब आपको बताना है कि भाई एक्स की यानी कि पोजिशन की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू साइंस में बताइए कि क्या होगा। ठीक है भाई, एक बात तो सिंपल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है तो नीचे के डायरेक्शन आप देख रहे हो एक्स तो पॉजिटिव ही है तो पोजीशन तो एवरी बेसिस पॉजिटिव, सो इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप देखो बहुत सिंपल है चीज, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन योर एक्स इज एनीवेज पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट अबाउट वेलोसिटी, भाई नीचे के डायरेक्शन तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी आपकी हो जाती है पॉजिटिव, परफेक्ट। और अभी बोल रहे कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो जो आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा जा रहा है फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है अर्थ का, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव ले लो, बात खत्म हो गया, तो जी भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लो कर लो बात। अब यहीं पर अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट तक आपका एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ऑब्जेक्ट जाता है तभी हम एक्स को नेगेटिव लेंगे, है ना, मैक्सिमम हाइट को हमने जीरो माना हुआ, ओरिजिन माना हुआ, तो मैक्सिमम हाइट तक तो भाई आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अब एक वही बात हो गई, जब आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाते तो वेलोसिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब अगेन वही बात होगी कि भाई हम ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे थे
पॉजिटिव ले रहे थे, इसी वजह से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऊपर के डायरेक्शन में नेगेटिव टर्म अज्यूम किया था, क्योंकि वो अर्थ उसे नीचे की तरफ खींचे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। लेकिन यहां पर क्योंकि अभी हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, तो इसके नीचे जो भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहेगी, हमें उसे तब भी पॉजिटिव ही लेते जाना होगा, क्योंकि v ऊपर जाकर नेगेटिव हो रही है और आपका एक्सेलरेशन को हम ऊपर के डायरेक्शन में फिलहाल के लिए पॉजिटिव मान रहे हैं। क्योंकि पहले हम क्या मान रहे थे, पहले हमारा यहां पर हमने g को नेगेटिव क्यों लिया था इस मामले में, क्योंकि हमने सोचा था कि ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। इसी वजह से जब अर्थ नीचे खींचती है ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट और ऑब्जेक्ट ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी। लेकिन अभी यहां पर गेम उल्टा कर दिया उन्होंने, इन्होंने यहां पर बोला कि भाई एक काम करो, अभी अब ऊपर के डायरेक्शन को नहीं नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, वो ऊपर के डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे आते वक्त तो वैसे भी वो पॉजिटिव थी, वो इंक्रीज कर रही थी, एक्सेलरेट कर रहा था ऑब्जेक्ट, और ऊपर जाने वाले को अभी आप उल्टा करने दो, जी को भी यहां पर पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा कि भाई यूट्यूबर बहुत सारे ये क्लैरिफाई नहीं कर पाते, बट मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी, जी ऊपर जाते होगी पॉजिटिव की होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो ये सी भी हमारा हो गया। डी क्या कह रहा है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स एंड। ये फाइनली अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया, अभी न्यूमेरिकल का है, देखें टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, तो आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। दिया क्या दिया भाई, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आप जानते हो, और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या चाहिए, s = ut + half at square हो जाएगा, टाइम नहीं पता है ना, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक वी डू नॉट नो। तो तीसरे इक्वेशन से निकाल देते हैं, चलो आ जाओ। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि जानते हैं मैक्सिमम हाइट भी आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो v स्क्वायर जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट आपको निकालना है, तो माइनस u स्क्वायर / 2a आपका फार्मूला बन जाता है। सो s will be equal to minus 29.4 × 29.4 जहां पर आप आराम से चीजों को काट सको। चेक चेक, आवाज आ रही है ना आप लोगों मेरी? नहीं यार आवाज नहीं आ रही शायद आप लोगों मेरी ना। कैन यू हियर मी गाइस, कैन यू हियर मी? हाँ सॉरी गाइस, मुझे लग रहा था यहाँ पे, मैं देख रहा था ना कि रिकॉर्ड जब हो रहा है तो ऑडियो में कुछ इश्यू आ रही है। आई होप अभी ठीक हो गया होगा, है ना। चलो इसके पहले जो ऑडियो थी शायद थोड़ी सी खराब होगी, एम सो सॉरी अबाउट फॉर सम अबाउट 5-6 मिनट, सॉरी अबाउट इट, लेट्स गेट स्टार्ट कंटिन्यू नाउ। तो यहाँ पर ये हो गया, तीन गुना बच गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको दो से काट देता तो कितना आ जाता भाई, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 7, तो 14.7 × 3 हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 7 × 3 = 21, 2 कैरी, नेगेटिव रोटी कट जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगी, 2 कैरी, 3 × 4 = 12, 12 × 14, 1 कैरी, 3 × 1 = 3 एंड 1 = 24.1, नहीं भाई 7 × 3 = 21, एक सेकंड रुक जा, हाँ 7 × 3 = 21, 1 2 कैरी, 2 कैरी, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 1 कैरी, 3 × 1 = 3, 1, हाँ 44.1 मीटर आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है बेटा, क्लियर है एकदम। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि भाई कितना वक्त लगता है ना, कितना वक्त भी लगता है पूछा हुआ है। तो हाइट तो हमने बता दिया कि मैक्सिमम हाइट 44.1 मीटर तक जा रही है, एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। तो मान लीजिए कि भाई मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो वक्त लेता है वो हम निकाल देते हैं, फिर उसको डबल कर देंगे, फिर 3 × 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे आने के लिए भी उतना ही वक्त लगेगा जितना ऊपर जाने के लिए वक्त लगता है, जितना ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही नीचे आने के लिए लगता है। तो ऊपर जाने के लिए निकाल दो, 2 कर दो, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए वक्त निकालते हैं अभी हम। तो अगर हम यहां पर कोशिश करें ऊपर जाने का वक्त निकालने के लिए, तो क्या क्या वैल्यूज दी गई है, हम जानते हैं हमारा फाइनल वेलोसिटी जीरो है मैक्सिमम हाइट पे, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है 29.4, एक्सेलरेशन हम जानते हैं 9.8, है ना, एक्सेलरेशन जी हम जानते हैं -9.8 है, हम जानते हैं ये। तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें v जीरो हो गया, आपको निकालना है टाइम, टाइम तो ये u वहां जाएगा तो माइनस यू, और a नीचे आ गया तो a यहाँ पर आ गया। अब देखो माइनस यू कितनी है भाई, 29.4, और एक्सेलरेशन कितनी भाई, -9.8, नेगेटिव कट जाता है, t इज इक्वल टू 3 गुना आ जाती है, मतलब 3 सेकंड्स। अब ये 3 सेकंड्स लग रहा है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए,
तो टी टू टू ही करना पड़ेगा आपको, 6 सेकेंड्स ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम। ठीक है बेटा, क्लियर है? आसान सवाल था, थोड़ा सा लंबा जाता है बट आसान सवाल होता है ना, बहुत सारे पार्ट्स थे इसके, ये तो आराम से अपने में ही 5 मार्क्स का सवाल हो जाता है। ठीक है, सो लेट अस चेक द आंसर्स वेदर वी ऑल वेयर राइट और नॉट। हाँ, अपवर्ड सही सही सही, ये भी सही। नेक्स्ट 6 सेकेंड, ठीक है, और 44.1 बराबर। गाइस ऑल द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये है इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, बैंड बज जाती है बच्चों की, मतलब मेरी तो बैंड बज जाती थी, आपकी भी बैंड बज जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे जैसे होंगे बुड़बक, है कि नहीं? चलो क्या है भाई सवाल, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, सारी स्टेटमेंट को पढ़ो और एग्जांपल्स के साथ बताओ कि इज इट ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है तो एग्जांपल क्या देना, ट्रू है तो देना पड़ेगा। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, सो वन डायमेंशनल मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट होता है विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। क्या आपके एक ऑब्जेक्ट में जब वो वन डायमेंशनल मोशन में होता है आपका स्पीड जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्चुअली बिल्कुल पॉसिबल है, मेरे ख्याल से अभी हमने देखा भी था उसका एग्जांपल कि जब आपका मैक्सिमम हाइट पे एक ऑब्जेक्ट होता है ना, मैक्सिमम हाइट पे एक ऑब्जेक्ट होता है तो भाई वेलोसिटी आपकी जीरो होती है लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, तो एक्सेलरेशन वहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जब एक ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल, ये भी तो वन डायमेंशनल मोशन है ना, ऊपर गया नीचे आ गया, वन डायमेंशनल मोशन है, वाई एक्सिस में चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज पॉसिबल, और एग्जांपल हमने दे दिया विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड क्या है, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, व्हाट डू यू गाइस थिंक, जीरो स्पीड बट नॉन जीरो वेलोसिटी कैसा हो सकता है? इसके लिए आपको बस 9th ग्रेड का डेफिनेशन याद करना है वेलोसिटी का। 9th ग्रेड में हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन सुना होगा आपने, स्पीड विद डायरेक्शन होती है वेलोसिटी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वेलोसिटी हो लेकिन स्पीड ना हो, नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल कि वेलोसिटी और स्पीड ना हो। हाँ, स्पीड हो वेलोसिटी ना हो फिर भी पॉसिबल है, जैसे कि आप चक्कर लगा देते हो ना एक सर्कुलर मोशन में, अगर आपने जहां से शुरू किया वहीं आकर रुक जाते हो तो स्पीड रहती है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो स्पीड नॉन जीरो और वेलोसिटी जीरो इज पॉसिबल, बट वेलोसिटी जीरो एंड स्पीड नॉन, मतलब वेलोसिटी नॉन जीरो एंड स्पीड जीरो इज नॉट पॉसिबल, उल्टा इज नेवर पॉसिबल। अगर वेलोसिटी है तो स्पीड को होना ही होगा, एब्सोल्युटली शुड बी देयर बिकॉज वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन। तो ये तो फॉल्स है भाई, ये तो फॉल्स है ना, तो 9th ग्रेड बहुत बहुत जान बचा रही है, और 9th से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है ब्रो? नेक्स्ट, विद कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट स्पीड हो और जीरो एक्सेलरेशन हो, ये भी फॉल्स है, ट्रू भी हो सकती है। वैसे मैं आपको दोनों बता देता हूं, ठीक है, दिस कैन बी ट्रू एंड फॉल्स, हाउ हाउ? ठीक है, पहली बात, अगर यहां पर स्पीड नहीं लिखी होती, या तो स्पीड लिखा भी है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, ट्रू हो सकता है ओनली इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका जो स्पीड है वो इक्वल टू वेलोसिटी होता है। इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कॉमन क्वेश्चन है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, सो स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर आपका स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन को भी जीरो ही होना पड़ेगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, सो इट इज ट्रू फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, लेकिन फॉल्स भी हो सकता है अगर आपका सर्कुलर मोशन होगा तो, है ना, इन अ सर्कुलर मोशन क्या देखा हुआ है हमने, इन अ सर्कुलर मोशन हमने देखा हुआ है कि स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है तो आप 5 मीटर पर सेकंड की प्रति घंटे, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप दौड़ सकते हो, लेकिन हर बार जब आप सर्कुलर मोशन में होते हो आपने ये भी रियलाइज किया होगा कि भाई हर पोजिशन में आपकी डायरेक्शन बदलती जाती है, तो जब डायरेक्शन बदलता है आपकी वेलोसिटी भी बदलती है, वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, डायरेक्शन बदलता है सो वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, योर वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस, एंड इफ योर वेलोसिटी चेंजेस योर एक्सेलरेशन मस्ट ऑल्सो चेंज, है ना, ये केस हो जाती है। और इस मामले में देखो कांस्टेंट स्पीड है ना, सर्कुलर मोशन में तो आप कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते जा रहे हो, लेकिन वहां पर क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है, तो एक्सेलरेशन बदलती जा रही है।
आपको पता होगा 9th में सिखाया मैंने आपको सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे आप अलग अलग डायरेक्शन पे देखते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होता है एंड वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी उसका डायरेक्शन बदलता रहता है और एक्सेलरेशन भी होगा। तो दिस कैन बी ट्रू एंड फॉल्स बोथ। ठीक है बेटा, तो ये भी हमने कर लिया। आगे क्या है भाई? विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। एब्सोल्युटली ट्रू यार, है ना, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, बट वही बात है कि एक्सेलरेशन विल बी ओनली पॉजिटिव इफ द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपका मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तभी आपका ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा, नहीं तो फिर वो डी एक्सेलरेट करेगा ना, कि एक्सेलरेशन उल्टा हो रहा है, ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जा रही है तो फिर डी एक्सेलरेशन हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक लगा दिया आपने, मोशन सामने की तरफ थी, ब्रेक लगाया तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रही है। सो दैट इज व्हेन इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव और उस वक्त तो स्लो डाउन हो जाता है। अगर स्पीड अप हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना पड़ेगा इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? ये सवाल ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूला लगा के भी कर लेंगे लेकिन ऐसे सवाल ना बैंड बजा देती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट सवाल आपका? अरे 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 मुन्ना, एक और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, पगला देने वाले सवाल है भाई कुछ कुछ एनसीईआरटी में तो, बट ठीक है इसमें मजा बहुत आता है तो वी शुड डेफिनेटली ट्राई। क्या पूछ रहा है आपसे? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 meters ऑन अ फ्लोर। ठीक है, 90 meters ऊंचा एक बॉल है, आप देख रहे हो, सब बॉल को छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप का क्या मतलब होगा? ड्रॉप का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो होनी चाहिए। ड्रॉप किया ना, फेंका नहीं, ड्रॉप किया। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। ऑफ कोर्स ये बात है, बॉल बाउंस करेगी, जितने स्पीड से आई थी टकराने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि भाई स्पीड 1/10 कम हो जाएगी, स्पीड जो है 1/10 कम हो जाएगी। ओके, प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 12 सेकंड्स। आपको बताने कि भाई 0 से लेके 12 सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ बना के दिखाना है आपको। अब स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए आपको स्पीड निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम्स में, तभी तो बनेगी स्पीड टाइम ग्राफ, करेक्ट है ना? तो अभी हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नया पेज ले लेते। ठीक है, इस ग्राफ को बढ़िया से सुंदर से बनाते। ये आपका स्पीड है और ये होगा मीटर्स पर सेकंड पे, ठीक है, और यहाँ पर टाइम बना देते हैं, टाइम आपका होगा सेकंड्स में, है ना, सब जगह मीटर पर सेकंड टाइम सेकंड्स में दिया हुआ ना, ठीक है बराबर। हाँ, अब एक बात तो एकदम क्लियर है हमें, एक बात हमें क्लियर है कि भाई जब t इज इक्वल टू जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो थी, है ना, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो थी, करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ड्रॉप किया जा रहा था। सो व्हेन t वाज इक्वल टू जीरो योर वेलोसिटी वाज इक्वल टू जीरो। ये क्लियर है भाई हमें, इसके आगे निकालना है। ठीक है चलो, अब निकालने की कोशिश करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई जब ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचते तो कितना वक्त लेती है, मतलब नीचे पहुंचने के लिए कितना वक्त लिया इन्होंने, ये निकालना जरूरी है, तभी तो 12 सेकंड तक, मतलब 12 सेकंड तक कितनी टपकी खाएंगे वो हमें थोड़ी पता। वी हैव टू फिगर इट आउट, सो वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम ऑल्सो, क्योंकि अगर हम टाइम का ट्रैक नहीं रखेंगे, हम वेलोसिटीज निकालते गए तो हम निकालते चले जाएंगे ना भाई जब तक ये रुक नहीं जाता। बट जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि यहां से नीचे आने के लिए 12 सेकंड लग गया हो और हमें सिर्फ एक ही बार टपकी की वैल्यू निकालनी है। हो सकता है कि भाई यहां से नीचे आने के लिए 2 सेकंड लगा तो फिर 6 टपकियों की वेलोसिटी और टाइम निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? तो पहले हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लग रहा है इसे ऊपर से नीचे आने के लिए, वो निकाल देते हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे पहले बाउंस की, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप की बात करेंगे, फर्स्ट ड्रॉप मतलब अभी वो ड्रॉप हो रहा है। तो जब ये ड्रॉप हो रहा है बेटा, ऊपर का जो बॉल है ये अब नीचे की तरफ आ रहा है, पहला ड्रॉप है ना ये, तो पहले ड्रॉप पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हमें ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और हाइट दी गई है 90 meters, है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है बॉल की 90 meters। तो क्या मैं, और एक्सेलरेशन मुझे पता है, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आती है मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, माई एक्सेलरेशन ऑन दिस वुड बी 9.8, ये भी मेरे को पता है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? आई कैन, फाइनल वेलोसिटी तो बात की बात है, पहले मैं टाइम निकालना है मेरे को, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पहुंचने का टाइम भी मेरे को नहीं पता, तो मैंने टाइम निकाल दूं पहले मैं। अब टाइम निकालने के मेरे पास पहला इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी है, पहले इक्वेशन में लेकिन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 मेरे पास v की वैल्यू नहीं है, वो भी मैंने निकालना था, सो आई कैन यूज ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम निकालने के लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। टाइम निकालना जरूरी है क्योंकि टाइम अगर 12 सेकंड आ गया तो फिर आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग ना, पहले पॉइंट पे ग्राफ खत्म हो जाएगा, व्हेन t इज इक्वल टू 12 सेकंड्स इट रीचेस द ग्राउंड, बात खत्म,
टाइम नहीं हुआ 12, तभी मेरे को फिर वो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि वी गो फॉरवर्ड एंड फिगर आउट व्हाट द टाइम इज। सो वी हैव टू यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें ut जीरो है क्योंकि u जीरो है, और s बिकम्स इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, t निकालना है। सो व्हाट विल t बी इक्वल टू, t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2s अपॉन a, है ना, 2 ऊपर गया a नीचे आ गया, 2s अपॉन a। तो मेरे को निकालना है t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2s अपॉन a, सही है। t का रूट मैंने दे दिया, तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी, हमारी वैल्यू यहां पर आ रही है, यहां पर देख लेते हैं एक बार तेरा। तो रूट ऑफ 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिवाइडेड बाई, या देखो अब आप ले सकते हो 10 ले सकते हो यहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप 9.8 लीजिए, अभी आप 11th में आ चुके हो तो 9.8 लीजिए। ऑब्जेक्ट जी पॉजिटिव है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, तो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। हाँ 10 लोगे तो कैलकुलेशन ईजी आ जाएगी, आई डू अंडरस्टैंड, बट यार फिर भी 10 मत लो, 9.8 लो। अब 2 इंटू 90 हो जाता है 180 डिवाइडेड बाई 9.8। ओहो हो यार एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले ले क्या, 10 ले लेते हैं यार, ये डेसिमल में 10 ले लेते हैं ब्रो। मेरे को लग रहा है कि आसान हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। सो रूट ऑफ 2 इंटू 9 इज 18, सो रूट ऑफ 18 ये कम से कम हो गया, वरना भी 9.8 ले तो मेरी वाट लग जाती है ना, तो 10 ले लो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 18। अब 18 का रूट निकालना है, 18 का रूट, तो अगर मैं 18 का रूट निकालना शुरू करता हूँ तो 18 2 9 बार फिर 3 और 3 आ जाएगा, तो बेसिकली इट इज 3√2, है ना, योर आंसर इज 3√2। अब रूट टू की वैल्यू डाल दो यार, रूट टू की वैल्यू डाल दो, डेसिमल में निकालना है वैल्यू, रूट टू की वैल्यू डाल दो, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, तो इंटू 3 करना है आपको, 4 3 12 1 कैरी, 3 1 3 14, 4 3 12 1 कैरी, 3 1 3 14, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 4.24, है ना, क्या वैल्यू आ गई आपकी, 4.24 सेकेंड्स आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, 4.24। हाँ अगर आप 9.8 लेते तो शायद इससे ज़्यादा आते, अगर आप 9.8 लेते तो इससे ज़्यादा आती, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि 9.8 ही ले लेते हैं क्या यार, आई थिंक वो बेटर होगा गाइस, बट ठीक है, विल एस्टिमेट, हम थोड़ा एस्टिमेट कर देंगे 9.8 लेके, हम थोड़ा एस्टिमेट कर देंगे। मेरे ख्याल से 3 बारी में, जैसे पहली बार की टपकी में 4 सेकंड लग गया, तो अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो टपका फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, मान लो इसमें अगर 2-3 सेकंड ले लिए तो 4+3 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड हो जाता है, फिर नीचे आएगा उतना ही वक्त लगेगा जितना ऊपर जा रहा है, तो 3-4 सेकंड, तो ये तीसरे टपकी तक, मतलब दूसरे टपके तक आपकी टाइम हो जानी चाहिए, आई थिंक दैट इज वॉट गोइंग टू बी हैपनिंग। तो 4.24 सेकंड्स लिख देते हैं, जी को अगर हम 10 अज्यूम किया है, 9.8 तो शायद ये 4.5 या 9 के आसपास आना चाहिए था, ठीक है, आप एक बार 9.8 से कैलकुलेट करके देखना। अब बात करते हैं कि भाई इसमें वेलोसिटी निकाले फिर, चलो अभी अभी पता है कि भाई 4.24 सेकंड्स हुआ है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से यहां नीचे पहुंचने के लिए, कम से कम जमीन पे लगने तक पहुंचने के लिए 4.24 सेकंड्स ले रहा है, तो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, क्योंकि टकराने के बाद 1/10 कम हो जाती है ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो निकालनी जरूरी है, तो अभी हम निकाल सकते हैं हमारे पहले इक्वेशन से। तो वी ऑल नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80, u इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, सो v विल बी इक्वल टू एक्सलरेशन, हमने 10 लिया हुआ है, टाइम भाई अभी हमने निकाल दिया कितना था 4.24, सो द वेलोसिटी बिकम्स 42.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो 42.4 मीटर्स पर सेकंड आपका वेलोसिटी है कब, जब आपका टाइम है 4.24 सेकंड्स, तो यहां पे डाल दो, व्हेन योर टाइम इज 4.24 सेकंड्स योर वेलोसिटी इज 42.4 मीटर्स पर सेकंड। तो पहला जो हमारा टाइम है हम यहां पर 5 लिख दें, टाइम के लिए 5 लिखें, 5 10 12 तक जाएगा ना वैसे भी, सॉरी 5 10 15 सॉरी हाँ 15 यार दो दो में डरते हैं, सॉरी थोड़ा सा गैप और दे देते हैं, लेट्स टेक इट फ्रॉम 2 से 12। ओहो मुन्ना हाँ, तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, और वेलोसिटी तो भाई 42.4 है, तो इसको 10 में ले लेते हैं, ठीक है, 10 20 30 40 50, ठीक है, तो यहां पर 42.4 बोला है 4.24 में, तो 4.24 मान लो कहीं पे यहां पर आ रहा है 4.2, और कितना आ रहा है भाई 42, तो यहां पर आपकी ग्राफ जो है ऐसे दिखनी चाहिए, आपकी ग्राफ यहां पर ऐसे दिखनी चाहिए,
ठीक है बराबर। अब ये था कि जब वो जमीन पे पहुंचने वाली होगी एग्जैक्टली उस वक्त इतनी वेलोसिटी। अब उसके बाद क्या करता है भाई, कोलाइड करता है ग्राउंड से ना, और ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 1/10 हो जाती है। सो आफ्टर कोलिजन, यहां पे आप क्या लिखोगे, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन आपकी वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन उसी इंस्टेंट पे हो रहा है, 4.24 सेकंड्स पे ही वो कोलाइड करता है ना एग्जैक्ट। मतलब वो 4.24 सेकंड्स कब मिला आपको, जब वो जमीन पे पहुंचने से थोड़ा ऊपर होगा, एक मिलीमीटर ऊपर होगा, उस पर टकरा जाता है, तो सेम टाइम पे आपका टकराने के बाद वेलोसिटी कम हो जाती है। सो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन योर वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 1/10 ऑफ 42.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो 1/10 मतलब भाई, एक बार 10% लूज करता है ना, अरे सॉरी गाइस, 10% अगर लूज करता है तो यहां पर 90% बाकी होगा, वही बोला ना सवाल में क्या बोला भाई, लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, तो लूज करता है वो 1/10, तो बचा कितना 90%, तो आपका हो जाता है 90/100 इंटू 42.4, ठीक है बराबर। तो 0 कट गया, 9/10 बचा, 9/10 42.4 डिवाइड बाई 10 कर दो, 4 9 4 36 3 कैरी, 9 2 18 83 21 2 कैरी, 2 9 4 36 प्लस 2 38, तो ये बच गया आपका 381.6 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 38.16 मीटर्स पर सेकेंड, ये हो गया टकराने के बाद, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या हुआ, 4.24 सेकेंड्स पे ही टकराने के बाद अचानक से उनकी वेलोसिटी 38 पे आ गई, 42 से 38.16 पे आ गई इमीडिएटली। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप बना देंगे, ठीक है, 38 यहां पर आएगा कहीं ना कहीं, 38 मान लो यहां पर आ रहा है, ये ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गई नहीं वेलोसिटी, समझ में आ गई बात, ठीक है ओके। अब भाई हमारे पास वेलोसिटी है, अब इसके बाद क्या होगा कि भाई बॉल टकराई, बाउंस हुई, वेलोसिटी लूज हो गया, तो अभी ऊपर जाएगी ना, अभी ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाते वक्त एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, इट विल रीच अ मैक्सिमम हाइट, और इस मैक्सिमम हाइट में आपका वेलोसिटी होगा इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी। अब दोबारा निकालते कि भाई टाइम कितना लेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने के लेगा उतना ही टाइम वापस आने के लिए भी लेगा, जितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतना ही वेलोसिटी से वापस भी आएगा। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड, मतलब भाई आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाने के लिए 38.16 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, वापस आते हुए उतनी वेलोसिटी हुई उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखना कि भाई इसमें टाइम कितना लेता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाने के लिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लेता है। तो अब हम लेने वाले हैं आफ्टर फर्स्ट कोलिजन व्हाइल गोइंग अप क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यही है 38.16 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही भाई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले लो, ठीक है, निकालो वैल्यू, टाइम निकालनी है, वही हमारा पहला इक्वेशन काम आ जाएगा, टी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें अभी तो डिस्प्लेसमेंट पता नहीं कितना ऊपर गया हमें पता नहीं है, तो टाइम निकाल दो सीधा पहले इक्वेशन से, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, सो आपने यू को इधर किया तो वी माइनस यू ए को नीचे ला दिया बराबर। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है सर, ऊपर मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 38.16, और हमने कृपया करके भाई एक्सेलरेशन को -10 लिया हुआ है ऊपर जाते वक्त, सो टाइम विल बी इक्वल टू 3.82 सेकंड्स, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो 3.82 सेकंड्स आपका ऊपर जाते वक्त। तो अब आपका टोटल टाइम कितना हुआ है, टोटल टाइम टिल नाउ कितना हुआ भाई, पहले कितना निकाला था आपने 4.24 सेकंड्स, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 4.24 सेकंड्स प्लस 3.82 सेकंड्स, कितना हो जाता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 8.06 हो जाता है, 8.06 सेकंड्स। अभी हमने क्या सीखा, जितना वक्त ऊपर जाने के लगेगा उतना ही वक्त नीचे आने के लिए भी लगेगा, करेक्ट है, तो इसमें मैं और 3.82 ऐड कर देता हूं, सो फॉर कमिंग डाउन इट टेक्स सेम टाइम 3.82 सेकंड्स, ठीक है, जितने टाइम ऊपर जाने के लगती है उतने टाइम नीचे आने के लिए लगती है भाई, सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 8.06 सेकंड्स प्लस 3.82 इज इक्वल टू यहां पर 6 प्लस 2 8
इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो 12 बन जाता है, आपको इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है गाइस। 11.88 सेकंड्स में रोक देना, मैं यहां पे लिख देता हूं एज ए नोट, इफ जी इज इक्वल टू 9.8 फिर आपका वैल्यू यहां पर 12.01 के आसपास आ जाना चाहिए जितना मेरे को आइडिया लग रहा है। सो 12.01 12.0234 आसपास आ जाना चाहिए 12 पॉइंट, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो हम यहीं पे रोक देंगे, यहीं पे अगर हम रोक देते हैं तो ऊपर गया। अब इसको इस पार्ट को देखो, 3.82 सेकंड्स लेके भी ऊपर गया, यानी कि 8.06 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8.06 सेकंड्स पे आपका बाउंस हुआ तो वेलोसिटी लूज हो गया कितना, 10%। अब इसके बाद 8.06 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 4.24 पे ही इसकी वेलोसिटी 38.16 हो गई थी। कब हुआ था ये, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, वो हमने लिख दिया यहां पर फर्स्ट बाउंस, यहां पे भी लिख देता हूं फर्स्ट बाउंस, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर आप देखोगे आपका जो 8.06 सेकंड्स था उसमें आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, 8.06 सेकंड्स में बाउंस होने के बाद आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा यहां पर जहां पर वेलोसिटी जीरो है, करेक्ट, यही निकाला हमने। देखो आफ्टर कोलिशन वाइल गोइंग अप योर टाइम इज 3.82 सेकंड्स मैक्सिमम हाइट तक, तो मैक्सिमम यानी कि 8.06 सेकंड्स पे आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो हम ग्राफ में वही बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ में अभी हम वही बनाएंगे कि भाई आपका 8.06 सेकंड्स मान लो यहां पर कहीं पे आता है और उस वक्त उनकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो वेलोसिटी सीधा यहां से जीरो पे आ जाएगा। फिर हम कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि भाई रुक जा, अब ऊपर पहुंचा, अब वापस आ रहा है वो, और वापस आते आते कितना वक्त लग रहा है, वापस आते ही यहां पे वेलोसिटी जीरो है, वापस आते आते लग रहा है 11.88 सेकंड, जिसको हम 12 सेकंड्स मान रहे हैं, 11.88 सेकंड में वापस आ रहा है और उतना ही वक्त आएगा, जितने वेलोसिटी से गया था उतने वेलोसिटी से आएगा, गया था वो कितने वेलोसिटी से ऊपर, 38.16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया था, तो वापस वो ऊपर उतने ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और कितना वक्त ले रहा है, 3.82 सेकंड्स प्लस तो 11.88, तो 12 सेकंड के यहां पर कहीं पे वो वापस उतने ही हाइट तक जाएगा, उतने ही वेलोसिटी तक जाएगा 38.16, समझे। अब जब वो नीचे आएगा, अगर मान लो आपको 12 सेकंड के बदले 15 सेकंड बोलता तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा वो कोलाइड करेगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, देन द सेम प्रोसेस रिपीट्स, फिर कम करेगा, देन अगेन, तो वो ये कंटिन्यू होते जाएगा, बट आप यहीं पे रोक सकते हो, ठीक है बेटा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। तो यहां पर मैं बोल देता हूं बिफोर सेकंड बाउंस, बिफोर सेकंड बाउंस, ठीक है, रुक जाती है आपकी कहानी। मजा आया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, ऐसे ही सवाल करने में बहुत मजा आता है ब्रो, मतलब इट्स इंट्रीगिंग, आपके दिमाग को काम देता है ना वो, तो बहुत मजा आता है ऐसे सवाल करने में। बट ठीक है, कुछ ही सवाल है आपके इस चैप्टर में एनसीईआरटी के ऐसे, बाकी तो ग्राफ बेस्ड आ जाते हैं, बट देख लेते हैं आगे। चलो आ जाओ भाई, हाँ देखो हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बना हुआ है, ऊपर गया टक, नीचे नीचे सेम, बराबर गाइस। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाला सवाल आ गया। अच्छा, एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जाम्पल्स द डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपको एग्जाम्पल से बताना है डिस्टिंक्शन बिटवीन, और सवाल देख के लगेगा अच्छा किसका डिस्टिंक्शन पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। वाओ, आपको बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन पूछ रहा है गाइस, नाइन्थ ग्रेड का सवाल। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड, डेफिनेशन भी सवाल में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जीरो पॉजिटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो ही हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है भाई नाइन्थ ग्रेड में, वही एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे इलेवेंथ में भी। इनफैक्ट मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी पहले सेशन में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कराया था वहां पर भी ये सिखाया हुआ है, आपको नहीं देखा है भाई तो पहले तो मैं बता देता हूं कि देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वन शॉट आ चुका है, टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको पूरा प्लेलिस्ट है, जाओ उठा के मजे करो यार,
इतना मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, बढ़िया। तो ये तो हमने कर लिया, चलो ए भी हो गया। फिर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। अरे यार ये तो वही कहानी होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड का वही डिफरेंशिएशन है जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। वही एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, दैट कैन बी ओनली जीरो एंड पॉजिटिव, सेम चीज है। कम ऑन कम ऑन, डोंट बोर योरसेल्फ विद दिस, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। शो इन बोथ ए एंड बी दैट द सेकंड क्वांटिटी इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। हमने क्या, अरे तो पता ही हमें है ना, ये तो पता ही हमें जब हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, क्योंकि देखो आपको यहां पे हिंट भी दिया हुआ है, फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन। सो इफ यू कंसिडर स्ट्रेट लाइन मोशन उर्फ आपके एनसीईआरटी की भाषा में वन डी मोशन, तो हम जानते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो इस सिनेरियो में आपका डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस मेरा डिस्प्लेसमेंट से इक्वल होता है, चेंज क्यों होगा, सेम ही होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो इफ माई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा नीचे ले आता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वन। ये कब होगा, ये तब होगा जब मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, मैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो क्वांटिटी होता है, रेशियो होता है, वो वन बन जाता है ना, रेशियो मेरा वन बन जाता है। लेकिन मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, वन डी मोशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, सीधा नहीं चल रहा वो, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाकर ऐसे घूम के वापस आ जाता है, ये भी वन डी मोशन है ना, वन डायरेक्शनल है, वो सीधा गया और वहीं से घूम के वापस आ गया, सिंगल डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे कि आपकी डिस्टेंस बढ़ गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा, क्यों, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, मेरा फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया ना, पहले ए और बी था, अब वो ए पॉइंट और ये सी पॉइंट हो गया, तो योर डिस्प्लेसमेंट हैज रिड्यूस्ड बट योर डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं डिस्टेंस कैन बी जीरो एंड पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, करेक्ट। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस है, और यहां पर देख लो मैंने क्या बोला, यहां पर अभी डिस्टेंस आपके डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ डिस्प्लेसमेंट आपके डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या तो इक्वल टू हो सकता है, करेक्ट है। सो हाउ कैन आई राइट दिस, आई कैन राइट दिस एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, अगर मैं रेशियो निकालता हूं, इट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू वन, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगी या तो वो डिस्टेंस से कम होगी। और इसी बेसिस में अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाऊं, मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट, माई एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अगर इक्वल टाइम इंटरवल है तो ये मान लो कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल देता हूं, ठीक है, तो टाइम तो कट जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अगेन लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कैन बी लेस देन इक्वल टू वन, वैसे ही एग्जैक्टली आपका एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड कैन ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, अगर मैं यहां पर वैल्यू डाल देता ना एवरेज वेलोसिटी की, क्या बनेगी भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो टाइम कट जाता है, सेम टाइम है यहां पर, तो क्या बचा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू वन, सेम ही बात बची भाई, सेम चीज आ गई ना, समझ गए बात को, क्योंकि बने तो सेम ही चीजों से है, बस ब्रो याद रखना है चीजें, छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 10 सवाल पर आते हैं, या ग्राफ वाले सवाल कब आ रहे हैं उसमें ज्यादा मजा आता है, बट ठीक है चलो आ जाओ, इसके बाद शायद ग्राफ का पूरा माहौल शुरू हो जाएगा, बट ठीक है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो ठीक है, a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. अच्छा ठीक है, कुछ तो गपला लग रहा है मेरे को इसमें, बट ठीक है अगर बोल ही रहे तो कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहे हैं ब्रो, ये बोल रहे हैं काले कलर का,
पेन चाहिए हमें. ए मैन वॉक्स फ्रॉम, अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. ओके. फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम. इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद अ स्पीड. और वापस आते हुए सेम ही डिस्टेंस होगा ना, तो 2.5 किलोमीटर्स, बट दिस टाइम ही इज वॉकिंग फास्ट क्योंकि उसे मान लो पॉटी आ रही है. 7.5 किलोमीटर पर आवर. What is the magnitude of average velocity and average speed at time intervals of 0 to 30 minutes, 0 to 50 minutes and 0 to 40 minutes? Oh, 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 oh. Jaane man, jaane man, palat teri nazar. Kaise karenge bhai isko? Ek kaam karte hain, pehle na yaar, aasan cheez kar lete hain. Pehle saare average speed nikal dete hain. Pehle bhai hum saare average speed nikalne wale hain, tak tak karke. पहला भाई कौन से टाइम पे निकालना है? 0 to 30 मिनट निकालना है. 0 से 30 मिनट पहले पता हो चले कि भाई 30 मिनट में कितना हुआ कवर, क्या हुआ इसमें. यहाँ पर 0 to 30 मिनट भाई बंदे की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे और डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर. अगर वो बंदा 5 किलोमीटर एक घंटे में कवर करता है तो 2.5 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगा? कॉमन सेंस हो गया है सर. 5 किलोमीटर एक घंटे तो उसका आधा होता है 2.5 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कवर करेगा. हाँ यार वही तो है. तो डिस्टेंस कवर किया भाई 2.5 किलोमीटर, ठीक है. आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5 किलोमीटर. यानी कि बंदा हमारा घर से मार्केट पहुंच गया था आधे घंटे में. 2.5 किलोमीटर भाई हो गया और वक्त बोला हुआ है 2.5 घंटे, सॉरी आधे घंटे. सो टाइम इज इक्वल टू कितना भाई? आधा घंटा, 1/2 आवर्स. सो वॉट इज योर स्पीड? माई स्पीड इज गोइंग टू बी, एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. So total distance is how much? 2.5 divided by 1/2. So your answer is 5 kilometer per hour is your average speed. Easy? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रुकते हैं, रुकना थोड़ी है. अब बात करना है हमें कि 0 to 50 minutes में क्या हाल है. 0 to 50 minutes. अच्छा सर, 0 to 50 minutes. अच्छा 30 मिनट तक तो यहाँ तक पहुँच गया वो. 30 मिनट में, आधे घंटे में वो यहाँ 2.5 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया. बाकी 50 मिनट से 30 मिनट काट लेता हूं तो 20 मिनट बचे. तो बाकी 20 मिनट में क्या हो रहा है देखे. पहले वापस आते वक्त इनकी स्पीड बढ़ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर. 7.5 किलोमीटर पर आवर तो यानी कि आधे घंटे में कितना? 7.5 अगर आधे घंटे में है, सॉरी 7.5 अगर एक घंटे में है तो यार आधे घंटे में ही और 20 मिनट्स में कितना कवर करेंगे? 2.5 किलोमीटर कवर करेंगे ना. 2.5 20 मिनट्स, 2.5 20 मिनट्स, 2.5 20 मिनट्स. सो 7.5 किलोमीटर्स प्रति घंटे. वो 7.5 किलोमीटर्स प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर कवर करेंगे. अगले 20 मिनट में 5, उसके अगले 20 में 7.5 हो गया. तभी तो ना 20 प्लस 20 प्लस 20 60 मिनट्स, एक घंटा, करेक्ट. तो यानी कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? इन्होंने 0 to 30 मिनट्स कवर किया आपका 2.5 किलोमीटर, ठीक है, एट अ 2.5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है, ओके. फिर इन्होंने 30 से जो 50 मिनट्स है, जो 20 मिनट का वक्त है, उसमें भी इन्होंने 2.5 किलोमीटर का वक्त कवर किया, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एट द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं तो मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या है? व्हाट इज माय टोटल डिस्टेंस? माय टोटल डिस्टेंस बेसिकली इज 2.5 प्लस 2.5, 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितनी है मेरी. यहां पर भाई टोटल टाइम 50 मिनट है, 50 मिनट को मेरे को आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आई टू डिवाइड इट बाई 60. सो 50/60 अगर मैं करता हूँ तो 5/6 आता है. 5/6 मैं कर देता हूँ, 5 कट जाता है, 6 ऊपर चला गया. 6 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड बन जाती है. परफेक्ट है, बहुत बढ़िया. अब हमारा आखिरी थर्ड पार्ट, ये है ट्रिकी क्योंकि अभी आपसे पूछ रहे हैं 0 to 40 मिनट्स, बट मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे यार 0 to 40 मिनट्स. यहाँ पर वही सेम केस, 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट, 2.5 किलोमीटर कवर करता है मेरा बंदा 5 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ओके.
अब ये 30 से 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई? वो 30 से 50 मिनट में, यानी कि 20 मिनट के वक्त में 2.5 किलोमीटर कवर कर रहा था। सो 30 से 40 मिनट में 10 मिनट में कितना कवर करेगा? इसका आधा। 20 मिनट में अगर 2.5 किलोमीटर कवर कर रहे हो तो 10 मिनट में उसका आधा कवर करोगे ना, तो 1.25 किलोमीटर, 2.5 का 1.25 किलोमीटर बचता है इन 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हियर इज 2.5 प्लस 1.25 इज हाउ मच? 3.75 या 3.75 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना टाइम ले लिया भाई? टाइम 40 मिनट लिया है। कन्वर्ट करते हैं इसको आवर्स में, तो 40/60, 0 कट गया, 2 2s are 2 3s are 2 by 3, सो दिस इज 2 by 3। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई विद दिस 3 एंड डिवाइड बाय 2। सो 5 3s are 15, 1 कैरी, 7 3s are 21, 2 कैरी, 3 3s are 9 प्लस 2 11, 11.25 डिवाइड बाय 2 हो गया। सो 11.25 डिवाइड बाय 2, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 7s are 14 और 2 5s are 10, तो 5.675 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड बन जाती है। 5.68 पे भी आप रोक सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आपने अभी सबकी एवरेज स्पीड निकाल दी है, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। सेम चीज में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। लेट्स टेक आउट एवरेज वेलोसिटी गाइस जल्दी से। ओके, एवरेज वेलोसिटी, और ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि पहले वाला अगर आप देखोगे वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में अपने पोजीशन से मार्केट तक गया। अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो कितनी थी भाई? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर, कितनी देर में? आधे घंटे में। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, 5 km/h, सेम बात, कोई टेंशन नहीं, ईजी ब्रो। सेकेंड में क्या देख रहा हूँ मैं? सेकेंड में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 0 to 50 मिनट्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर है घपला। घपला कुछ नहीं है, देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। अब 0 से 50 मिनट में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? 0 to 30 to 50 मिनट्स में आपको यहां से यहां तक जाने के लिए 0 to 30 मिनट्स लिए, फिर 30 से 50 मिनट में आप यहां पर पहुंचे। कैसे आप वापस ए पे कैसे आ गए? क्योंकि बोला है ना, देखो भाई 0 to 30 मिनट 2.5 किलोमीटर कवर किया और 30 से 50 मिनट में 2.5 किलोमीटर कवर कर रहा है, यानी कि 2.5 किलोमीटर मतलब वापस वो अपनी जगह पे आ चुके हैं। सो इफ द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, योर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लड्डुत्व, इसलिए पहले मैंने एवरेज स्पीड निकाल दी क्योंकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? देखो 0 टू 50 मिनट्स में हमने कुछ देर पहले प्रूव कर दिया था कि भाई 0 से 30 मिनट तक 2.5 किलोमीटर कवर करते हैं बंदे, ठीक है, और क्योंकि उनकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है। अब फिर मार्केट से वापस घर आने के लिए 30 मिनट से 50 मिनट तक, यानी 20 मिनट के अंदर वो और 2.5 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। सो ही इज बैक टू हिज ओन पोजीशन, 2.5 किलोमीटर आने के लिए, 2.5 किलोमीटर जाने के लिए, ही इज बैक टू हिज ओन पोजीशन। सो इफ ही इज बैक टू हिज ओन पोजीशन वेलोसिटी शुड बी 0। द ट्रिकी पार्ट इज द थर्ड वन, द ट्रिकी पार्ट इज अगेन इज द थर्ड वन। यहां पर जब मैं देखता हूं 0 to 40 मिनट, ये ट्रिकी है। क्यों है ट्रिकी? क्योंकि यहां पर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि वो ए पॉइंट है 2.5 किलोमीटर, बी तक है वो 2.5 किलोमीटर, ठीक है, वो और 30 मिनट में यहां पहुंच गए। अब 0 to 40 मिनट्स है, 30 के बाद 10 मिनट में और कहां तक पहुंचते हैं वो? सेंटर, यहां पॉइंट सी तक आते हैं ना, 1.25 किलोमीटर वो कवर करते हैं, है ना, ये देखा हमने, देखो 1.25 किलोमीटर कवर करते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज बिटवीन ए एंड सी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, बिकॉज ए इज द इनिशियल पोजीशन, सी इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट है मेरी 1.25 किलोमीटर, टोटल टाइम कितनी है? टोटल टाइम रिमेंस द सेम, टोटल टाइम इज सेम 30 मिनट से 40 मिनट, 0 टू 40 मिनट्स, 40/60, अगेन 2/3 आएगा, 2/3, है ना, 2/3 लिखोगे आप, सेम मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई? 3.75 हो जाना चाहिए, सेम नहीं भाई, 5 3s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6, 1 7, 3.75 बराबर डिवाइड बाय 2, 3.75 को डिवाइड बाय 2 करते हो तो 2 1 बार, 2 8 बार, 2 7 बार, 2 5 बार, 1.875 किलोमीटर पर। दैट वाज अ ट्रिकी पार्ट, सी वाला ट्रिकी था, मतलब वही बात है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, अगर आप ऐसे डायग्राम बनाते हुए सॉल्व कर पा रहे हो तो ये सवाल भी आराम से कर पाओगे। नाउ दिस क्वेश्चन माइट नॉट एंड अप इन योर एग्जामिनेशन,
बट इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू बिकॉज दिस सॉल्व्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सो वेल मतलब एक्सट्रीमली अमेजिंग ब्रिलियंट क्वेश्चन इज दिस ठीक है तो या एनसीईआरटी इन क्लास 11 इज एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब मतलब थोड़ा सा बैड वाई बिकॉज इवन द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आर टफर देन द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स मतलब मेरे को लगता है कि एग्जाम्पल के सवाल ज्यादा टफ लगते हैं आपको क्या लगता है डू लेट मी द कमेंट सेक्शन ठीक है बेटा चलो ये तो हो गया हमारा लेट्स चेक आवर ऑल आंसर्स है ना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ सर सॉल्व हो गया एवरेज वेलोसिटी पहला 5 है 0 to 30 मिनट दिख रहा है सही बोला था हमने हाँ ये पहला 5 है एवरेज वेलोसिटी दूसरे वाले में है 8 दिखा रहा है तीसरे वाले में 1.875 हो गया ठीक है ओके यार एवरेज स्पीड 5.625 हमें आ गए 0 to 40 मिनट्स में यार ये तो डिस्क्रिपेंसी है कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है भाई यहाँ पर 1.875 बराबर आया मैं 5.625 भी बराबर आया ये 8 किलोमीटर कैसे आ रहा है ब्रो एवरेज वेलोसिटी 0.0 to 50 में यार ये मेरे को समझना है कि कैसे सोल्यूशन में ऐसे दिया हुआ है पूछा है एवरेज वेलोसिटी और ये बंदा डिस्टेंस को ऐड कर रहा है 2.5 और 2.5 तो ये तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी नहीं ना स्पीड होनी चाहिए स्पीड हमें 8 आया था भाई स्पीड हमें 8 आया था क्या क्या आया हुआ है स्पीड हमें स्पीड तो हमें 6 आया हुआ है कुछ गलत किया क्या हमने इनको उनको 8 कैसे आया हमें तो 6 आया बट आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट आवर आंसर्स गाइस मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट 50/60 है ना 50/60 इज हाँ परफेक्ट यार आई एम sticking to our answers, bro. मेरे हम मुझे हमारे आंसर सही लग रहे हैं बिकॉज एवरी अदर आंसर इज करेक्ट ना 5.65 आया हुआ है 5 आया हुआ है और यहाँ पर भी देखूँ तो 1.875 बराबर आया हुआ है ये भी बराबर है ये भी 5 है ना तो आई एम sticking to our answers 5/6 मेरे को सही लग रहा है आई एम sticking to it, guys, है ना तो आप भी एक बार चेक कर लेना कि आपको सही आ रहा है कि नहीं सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक लग रही है बट ठीक है अब इसके बाद जो भी सवाल होंगे गाइस थोड़े से हल्के पुल के होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो और ज़्यादा हल्के हो जाएंगे तो फोकस है वेरी केयरफुली यहाँ से हमें शायद ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए हम शायद जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले बट लेट्स सी इन एक्सरसाइज 2.9 एंड 2.1 वी हैव केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी या वेरी वेल नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये बोल रहे हैं कि यार हमने देखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी अलग है एक दूसरे से तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग क्यों नहीं है अब इसका जो जवाब है ना उनके डेफिनेशन में छुपा हुआ है अगर आपको जवाब पता है इनका तो जवाब मतलब डेफिनेशन पता है इनका तो आप आराम से निकाल दोगे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा डेफिनेशन बताओ सोचो दिमाग लगाओ बताओ नहीं पता तो देखो यहाँ पर ध्यान से इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है ये मतलब मेरे कार का मोशन का ग्राफ है मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में पूछूं कि भाई इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इस पलक झपकने के इस चुटकी भर मोमेंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है स्पीड कितनी है तो आप बताओगे कि हाँ सर इस पॉइंट पे इसकी स्पीड है ये वेलोसिटी ये है वो जो इंस्टेंट में मैंने आपको स्पीड या वेलोसिटी पूछी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होती है ठीक है सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर छुटकी भर मूवमेंट के लिए पर्टिकुलर पलक झपकने वाले मूवमेंट के लिए जो आपकी वेलोसिटी या स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं ठीक है अब इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हाई इज इट ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्योंकि फॉर्मूला क्या है वही डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक छोटे से छुटकी भर के मूवमेंट के लिए एक छोटे से पलक झपकने वाले मूवमेंट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कितना ही फर्क पड़ जाएगा ब्रो कितना ही फर्क पड़ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चुटकी भर मूवमेंट के लिए आपने जो डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से इक्वल होंगे ना अगर वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से इक्वल होते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे से इक्वल ही होगी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना गाइस समझ में आ गई बात चलो बहुत बढ़िया भाई बल्ले बल्ले बोलते जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आ जाओ हाँ और जो भी मैं बड़बड़ा रहा हूँ ना गाइस डोंट वरी वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसा ना समझो कि सर आप बड़बड़ाते चले गए समझ नहीं आया क्या क्या बोले आप कुछ तो बोल के निकल गए नहीं सब लिखा हुआ है यहाँ पर डरना नहीं नोट्स डाउनलोड कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में और नोट्स के साथ ये भी बता देता हूँ कि भाई हमारे उसी नोट्स के शीट में ना आपको मिल जाएंगे मिड टर्म के मॉक पेपर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायो हाँ चारों के 5 मॉक पेपर्स हैं एग्जैक्टली इन द फॉर्मेट ऑफ योर मिड टर्म्स
जहां पर एक मार्क के सवाल भी है, दो मार्क के भी, तीन मार्क के भी, चार मार्क के भी, पांच मार्क के भी, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, एमसीक्यूज भी है, सेशन रीजनिंग भी है। सो एग्जैक्ट आपके पेपर पैटर्न ने जो सीबीएसई ने बताया हुआ है उसी फॉर्मेट में बनाकर रखा हुआ है मैम ने आपको। 200 सवाल है, पांच मॉक पेपर्स मिलाकर, क्योंकि हर पेपर में आपको 39 क्वेश्चंस मिलेंगे जो पैटर्न में होता है, 50 टोटल 200 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड स्टेप मार्किंग। डू नॉट मिस इट आउट, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक ले जाओ अभी के भी, ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, चलो लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी, वेरी गुड क्वेश्चन यार, ग्राफ्स मजा आता है। Carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle. इनमें से कौन से ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ मेरे को ग्राफ के अंदर मजा क्यों आता है, क्योंकि सवाल इतने बढ़िया होते हैं ना यार, मतलब मजा आ जाता है देखकर यार इनको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ से अपना बड़ा कर दिखाऊं, बड़ा काहे नहीं होते ब्रो, बुढ़ी बाबा ये बड़े नहीं होते क्या, ऐसे काहे कर रहे हैं। हाँ अब बड़े हुए ना, हाँ जी, इन ग्राफ को प्यार से देखो, ऐसे नहीं बेशरम, प्यार से मोहब्बत से देखो, थोड़ा और मोहब्बत, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसमें वन डायमेंशनल मोशन पॉसिबल क्यों नहीं है, पहला पॉसिबल है क्या, क्या लगता है आपको ग्राफ। अच्छा पहले ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, सोच को बताइए। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं वक्त का, मान लो यहां पर 10 सेकंड हुए, इस 10 सेकंड के वक्त पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट की ये एक वैल्यू भी आ रही है और साथ ही साथ ये एक वैल्यू भी आ रही है। ओए होए होए, यानी कि एक ही वक्त पे डिस्प्लेसमेंट की दो दो वैल्यू, कैसे एक ऑब्जेक्ट यहां पर एक ही सेकंड में कैसे हो सकता है, मैं हो सकता हूं ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ब्रो, तो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बी देखते हैं, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, सेम वही केस, जब भी सर्कुलर और ऐसी चीजें आ जाती है ना, आप देखो भाई मान लो कि मेरा ये पॉइंट है, मैंने ये टाइम ये पॉइंट ले लिया टाइम के लिए, ठीक है टाइम का भाई 10 सेकंड हो रहे, 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी नेगेटिव भी है, भाई एक ही पॉइंट में मेरे वेलोसिटी के दो दो वैल्यू, कैसे कैसे ब्रो, ना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, गलत जवाब। ये क्या है, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्या ग्राफ है ये, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये देखते समझ में आ जाना चाहिए कि भाई गलत है, मतलब आप जब पहली बार देखोगे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा ग्राफ क्या है भाई कैसे करें, अब देखो तो सही कॉन्सेप्ट लगाओ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना, स्पीड हमेशा जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, तो फिर इसका जो ग्राफ ये नेगेटिव क्यों जा रहा है, स्पीड वाई एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस में नेगेटिव कैसे जा सकता है, y एक्सिस में नेगेटिव कैसे जा सकता है, नॉट पॉसिबल, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट हैज टू बी जीरो एंड पॉजिटिव, तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। डी की बात करते हैं, ग्राफ किसके बीच में, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस, है ना, और टाइम के बीच में, अरे वाह वाह बढ़िया बढ़िया, क्या ग्राफ है ब्रो, डिस्टेंस वक्त के साथ कम हो रहा है, ओहो कैसे ब्रो, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है, वक्त के साथ डिस्टेंस कभी भी कम नहीं बढ़ ही सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, आई होप यू रिमेंबर दैट। हाँ अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती तो ग्राफ बिल्कुल सही होता, लेकिन ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन ओनली इंक्रीज विद टाइम, इट कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, नेगेटिव नहीं हो सकती वो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ऑल दी फोर ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल, समझे बबुआ, मजा आया अब लग रहा है ना, हाँ सर ये तो बहुत ईजी था यार, बस ये तो मैं कहता हूँ सेशंस देखा करो मजा आते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फिगर शोज दी एक्स टी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल, पहले तो एक्स टी देखे डर मत जाओ, एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, टी होता है टाइम, ठीक है, या तो पोजिशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ, समझ लो जवाब बात को, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन जीरो, आई थिंक द क्वेश्चन इज देयर इटसेल्फ ओवर, इफ टी इज लेस देन जीरो, और ग्राफ में भी टाइम लेस देन जीरो दिया हुआ है एक वैल्यू, भाई टी नेगेटिव कब से होने लगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब चलो हम मान लो टी नेगेटिव भी अगर मैंने मान लिया, ठीक है टी अगर नेगेटिव भी हो रहा है, नेगेटिव टाइम से मैं देख रहा हूं, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है,
नहीं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो वेलोसिटी बढ़ती जाती, स्पीड बढ़ती जाती, और आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है स्पीड या वेलोसिटी, है ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी देगा, डिस्टेंस टाइम का स्पीड देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन का ग्राफिक है भाई, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है ना, डिस्टेंस तो जीरो है। इफ टी लेस देन जीरो में डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं हो रहा है, तो ये तो जीरो में है भाई, डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, स्पीड इज जीरो, करेक्ट। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। ओए होए होए मुन्ना, ये जो पैराबोलिक पाथ होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में, इट ओनली इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस इतना इंडिकेट करता है ना ब्रो। नाइन्थ का याद है, इलेवंथ का याद है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अ पैराबोलिक कर्व, स्ट्रेट लाइन होती तो यूनिफॉर्म मोशन, ये हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कुछ और नहीं भाई। और दूसरी बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी आपको एक पार्टिकल का मोशन नहीं दिखाता है, ठीक है? पाथ ऑफ द पार्टिकल नहीं दिखाता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी, इसको भी याद रखिएगा। पाथ कभी भी कोई ग्राफ नहीं दिखा सकता आपको ना भाई, मैंने बोल दिया यहां पर, आपको थोड़ी पता है जंगल में चल रहा है कि आपके बेडरूम के अंदर, पता है आपको? नहीं पता ना, ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है कि कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी देर चल रहा है, कहां रुका है, कहां नहीं रुका है, थोड़ी बता रहा है आपको कि भाई पाथ कौन सा वर्क है, मैप थोड़ी है, ये तो ग्राफ है, समझे बात को? बस तो टी ग्रेटर देन जीरो नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। और अगर इसको एक फिजिकल पॉज, अगर मेरे को इफ नॉट सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ को मैं कहाँ दिखा सकता हूँ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है भाई, रोड पे गाड़ी चलाना ये हो सकता है, ठीक है? हाँ, एक और ये हो सकता है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा हो तो वो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से गिर जाती है, वेलोसिटी ढक से बढ़ती है, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। बट अगेन उसके पहले जो वेलोसिटी होती है तो जीरो ही होती है ना, ड्रॉप जब होती है, करेक्ट। हाँ यार, यहाँ पर गाड़ी दिख रही है क्या आपको? चलो ठीक है, थोड़ी बहुत तो दिख रही होगी ना, ओके फाइन। क्या है भाई सवाल? ये दिस माय वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ ये एक ही लौता सवाल है जहाँ पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सवाल पूछ रहा है, ठीक है? ओके, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर फायर्स अ बुलेट। हमारा जो पुलिस वैन है, ये पुलिस वैन हमारा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द पुलिस बताई जा रही है आपको कितनी भाई, 30 किलोमीटर पर आर। मान लो कि वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार बनता है और हमारा ये कर्तव्य बनता है इस पूरे देश के प्रति और इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कि इस वेलोसिटी को हम मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है? हम कन्वर्ट कर देते हैं। सो बीपी विल बी इक्वल टू 30 × 5/18, 3 10 बार, 3 6 बार, 2 5 बार, 2 3 बार, सो 25/3 मीटर्स पर सेकेंड आपकी वैल्यू आ जाती है, सही है ना? 25/3 मीटर्स पर सेकेंड आपकी वैल्यू आ गई, बराबर है, चलो ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? Fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. यहाँ पर चोर बैठा हो भाई, चोर इस गाड़ी से आगे जा रहा है, हमारा जो चोर है उस गाड़ी से आगे जा रहा है, ठीक है? तो velocity of the thief's car is equal to 192 kmph. और हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या कहता है बच्चों? हमारा कर्तव्य कहता है, करो कन्वर्ट, सो 192 × 5/18, ये जो 192 नंबर है कुछ स्पेशल लग रहा है मेरे को, 18 से कट जाएगा आराम से, कटना भी चाहिए, बट ठीक है, पहले हम 9 से काट देते हैं ना, चलो 9 से कटेगा ये, नहीं भाई इतना कष्ट नहीं लेते हैं, सीधा 3 से काटते हैं, या तो 6 से काट देते हैं, हाँ 6 से काटते हैं, 6 3 18 और 6 3 18 और ये 6 2 12, हाँ बराबर भाई, ठीक है? तो ये कितना हो गया, 32 × 5, 3 से तो कटेगा नहीं, अब ये 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15, 160/3, ठीक है, 160/3 मीटर्स पर सेकंड आपका हो गया थीफ का वेलोसिटी, ठीक है? देखो कैलकुलेशन सही रखना, मेरा भी गलत हो सकता है, मेरा गलत होता है तो माफी, फाइनल में जवाब वैसे भी चेक कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर्स पर सेकंड, मजल स्पीड मतलब गोली चलाने वाली जो स्पीड होती है, गन से निकलते वक्त जो गोली की स्पीड होती है, अगर वो 150 मीटर पर सेकंड है, With what speed does the bullet hit the thief's car? तुम्हारे पुलिस जी जो है ना, वो 150 meters per second की स्पीड से गोली चला रहे हैं। अब ये जो velocity क्या है भाई, ये velocity of the bullet है, ये जा रही है। हमें बताना है कि भाई ये velocity of the bullet thief के वहां पहुंचकर कितनी हो जाएगी? सर सेम होनी चाहिए? नहीं ना ब्रो, यहीं पे तो आती है relative velocity। यहीं पे जो कॉन्सेप्ट आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी की, सेम वेलोसिटी थोड़ी पहुंचेगी, नहीं। अब लोगे सर फ्रिक्शन आ गया, नहीं,
गाड़ी मूव हो रही है वो प्रॉब्लम है, गाड़ी खड़ी रहती तो जितने वेलोसिटी से बुलेट आ रहा है उतनी वेलोसिटी से लग जाती गाड़ी को या थीफ को, लेकिन गाड़ी भी चल रही है, यानी कि अगर ये गाड़ी रुकी हुई है दूसरी, मतलब मान लो ये गाड़ी रुकी हुई है और ये गाड़ी चल रही है तो निकल जाएगी आगे, आपको दिखेगा कि हाँ ये गाड़ी स्पीड से चले गई। ये दोनों गाड़ी अगर साथ में जाएंगे एक ही स्पीड से तो दोनों साथ में जा रही होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इन दोनों के बीच में, जीरो हो गई ना। तो अगर मैं बुलेट की वेलोसिटी को मैच कर लेता हूं, अगर मैं भी 160/3 उस वेलोसिटी से जाने के बदले अगर मैं भी बुलेट की स्पीड को मैच कर लेता हूं 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर मैं भी जा रहा हूं तो बुलेट के साथ साथ मैं जा रहा होऊंगा, बुलेट मुझे लगेगी नहीं, बुलेट मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो। तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आती है, तो हमें यहां पर एक चीज क्लैरिटी से लिखना पड़ेगा कि जो पुलिस की वेलोसिटी दी गई है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है। तो अब लिखोगे VPG, ये भी थीव का ग्राउंड दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दी गई है क्योंकि पुलिस वाले जी गाड़ी के अंदर बैठकर गोली चला रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस वैन दी गई है, और यहां पर भी बताना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ बताना है, विद रिस्पेक्ट टू द थीफ, समझे, ग्राउंड नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमें निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव मतलब वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें आपके पास थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू है 160/3, बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो इसको मैं कहता हूं पहला इक्वेशन हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, उससे पहले हमें ये वैल्यू भी चाहिए होगा, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, ये वैल्यू है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं तो आई कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, है ना। How can I find out this value by from velocity of police with respect to ground? अगर मैं velocity of bullet with respect to police करता हूं तो velocity of bullet with respect to ground minus velocity of police with respect to ground, इसमें मेरे पास ये value है velocity of bullet with respect to police, है ना, velocity of bullet with respect to ground नहीं है, वही तो निकालना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी है, करेक्ट, तो ये निकाल सकता हूँ ना, ये दोनों वेरिएबल है मेरे पास, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितनी भाई 150, और ये ग्राउंड वाली कितनी है भाई 25/3, निकाल दीजिए LCM और जवाब बताइए, 150 × 3 हो जाता है 450 प्लस 25 × 3 वैल्यू वुड बी 475/3। What is 475/3? 3 ones are 3, 3 fives are 15, 3 eights are 24, 158.33 meters per second. देख रहे हो velocity of the bullet with respect to the ground, क्योंकि मैं एक चलती गाड़ी से चला रहा था, मेरी velocity bullet की ज्यादा हो गई 151 meters per second से ज्यादा तेजी से, 158.33 होगी जिस वेलोसिटी से मेरी बुलेट जाके लगेगी, अगर मैं गाड़ी नहीं चला रहा होता, खड़ा रहता, गोली चलाता 150 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं और इसको उठा के डाल देता हूं यहां पर ताकि ये वैल्यू आ जाए, बीबीजी आ चुकी है, वैल्यू डाल दो भाई, ठीक है वैल्यू डाल देते, सो VBT विल बी इक्वल टू VBG प्लस VTG, सो VBT विल बी इक्वल टू, VBG कितनी है ब्रो, तो यहां पर आप चाहो तो इसको 475/3 ले लो, आसान हो जाएगा क्योंकि आपका ये जो वैल्यू है वो भी 3 के टर्म्स पे ना, TG भी आपके 3 के टर्म्स पे, कितना है 160/3 बराबर है, तो ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, फर्दर कैलकुलेशंस के लिए डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल वैल्यू के लिए डेसिमल में लिखना है, तो ये हो जाएगा 475 प्लस 160 डिवाइड बाई 3, सो बिलोस ये हो जाएगा आपका वैल्यू 635 by 3, so the answer is 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 2116.67 meters per second. सही गाइस, आ गया वैल्यू, आना जरूरी है ब्रो, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सवाल जवाब सही है कि नहीं सारे, 105 है हमारा, कितना है 211, 105 कैसे आ जाता है यार, हमने प्लस कर दिया क्या, ओ बुड़बको फर्स्ट इक्वेशन है प्लस, कहां से आ गया, माइनस था ना, माइनस था ना बुड़बको, बताओगे नहीं यार, मैं क्या करते ना?
माइनस ब्रो माइनस प्लस कैसे कर दिया हमने, हाँ सॉरी गाइस, अब सही आएगा 475 माइनस 160, तो 375 बाई 3 कितना, तीन एक बार फिर गलत आ रहा, 375 में से 60, अरे 315 ना, सॉरी हाँ 315, 105 मीटर पर सेकंड, सही है, अब सही है ना भाई, बिल्कुल सही है। पहले निकाल देते, देखो 475 बाई 3 है, हमें बराबर आया था 475 बाई 3, 160 बाई 3, 105 बराबर 25 बाई 3, सब आंसर्स करेक्ट है, डन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 15 क्वेश्चन टुडे, और इसके बाद मतलब 15 क्वेश्चन से सारे सवाल आपके ग्राफ के हैं, जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दीज ग्राफ क्वेश्चन आर गोइंग टू बी रियली कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट मैं आपको भी ऐसे शॉर्टकट सिखाऊंगा, आप भी बोलोगे अरे दिमाग की हो गई बल्ले, बोलोगे आप। देखो, सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, इन ग्राफ्स देखे बताना, आपको सुटेबल सिचुएशन बतानी कि कहां पर ऐसे ग्राफ बन सकते हैं। ये तो आप ये बी वाला तो पहले बता दोगे, देख के यहाँ पर वेलोसिटी वक्त के साथ, मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है गाइस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जहाँ पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी वक्त के साथ कम होते जा रही है, थोड़े थोड़े इंस्टेंसेस की बात, ये तो अब समझ में आ गया, बॉल को उठाओगे बाउंस करोगे तो वेलोसिटी वक्त के साथ कम होते होते आएगी, सब पहले तो समझ गया। ये ए वाला क्या देख रहे हो आप, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखोगे डिस्टेंस अचानक से बढ़कर कम होगी, ये कैसे होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़कर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ लो इसको, डिस्प्लेसमेंट बढ़ी और फिर कम हो गई और ऑलमोस्ट सेम वैल्यू से वापस आई, लग रहा है ऐसे बॉल को उठाया दीवार पर मारा वापस आपके हाथ में आ गए, तो बॉल गई डिस्प्लेसमेंट बढ़ा वापस आई डिस्प्लेसमेंट उल्टे तरफ डायरेक्शन में बढ़ा और हमारे हाथ के पीछे तक गई, लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा जा रहा है, पॉसिबल, ठीक है ये भी पॉसिबल। अब सी की बात करते हैं, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अचानक से ठक से बढ़कर कम हो गया, कब हो सकता है, तब हो सकता है अगर आप एक बॉल को रखे हो, या तो बॉल आपके पास आ रहा हो और आपने जोर से लात मार दी तो एक्सेलरेशन उस बॉल का ठक से बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। क्रिकेट बॉल आ रहा है, आपने बैट छोटा अगर ठक से मारा तो एक्सेलरेशन ठक से बढ़ गया उसका, फिर जैसे ऊपर गया वो एक्सेलरेशन कम होते हुए आएगी, पॉसिबल। तो और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप मुझे बताना चैट में, जो भी मैंने एग्जाम्पल्स बोले यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है बेटा। हाँ जी भाई, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, क्या ग्राफ दिया आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ओके। गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स, टी इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स, टी इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड्स, आपको पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना, ठीक है बच्चों। अब मैं बताता हूं कि कितना आसान सवाल है, पहले ग्राफ कौन सा देख लो, ठीक है, ग्राफ की ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा ना कि भाई वो ग्राफ अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो फिर चीजें दोनों पॉजिटिव होती हैं, सेकेंड क्वार्टर में तो वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, थर्ड क्वार्टर में तो दोनों नेगेटिव होती है, फोर्थ क्वार्टर होता है तो फिर आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होते हैं, यू अंडरस्टैंड ऑल दिस राइट, यू नो दिस ना, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का पहले आप देख लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0.3 पे, 1.2 पे, -1.2 पे, पहले ये देख लो, ठीक है, ओके। तो 0.2 सेकंड्स पे, 0.3 सेकंड्स पे पहले पूछा गया, ये 0 और 1 है, 0.3 सेकंड्स समवेयर अबाउट यहां पर आएगा, ठीक है, 0.3 सेकंड यहां पे आएगा, तो x की वैल्यू 0.3 सेकंड्स में कितनी है भाई, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव लिखो यहां पर, बेझिझक लिखो नेगेटिव है, ग्राफ में वही दिखा रहा है, 1.2 सेकंड्स, 1.2 सेकंड्स 1 और 2 के बीच में समवेयर अबाउट यहां पर आएगा 1.2 सेकंड्स, तो यहां पर तो आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव y x, पॉजिटिव y एक्सिस में, पॉजिटिव, अरे 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 यहां पर पॉजिटिव, और -1.2 सेकंड्स, -1.2 सेकंड्स यहां पर आएगा कहीं पे, अगेन वही बात होगी, हाँ सर ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव, आंख बंद करके लिखो। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आती है कॉन्सेप्ट वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको हिंट बताऊंगा, हिंट नोट डाउन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट नोट मैं दे रहा हूं,
स्लोप अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है तो वो नेगेटिव स्लोप होती है और वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अगर लेस देन 90 डिग्री है स्लोप तो वो पॉजिटिव होती है और वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में जो एंगल हो, ठीक है, आपका एक्स एक्सिस और आपका ग्राफ है, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो ये जो एंगल है अगर लेस देन 90 डिग्री होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। स्लोप है ना, स्लोप आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ऐसे है ग्राफ, अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी कम हो रही है वक्त के साथ, है ना, वक्त के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कहां पे, पहले 0.3 सेकंड पे, तो 0.3 सेकंड्स में हम क्या देख रहे हैं कि आपकी ग्राफ नीचे की तरफ आ रही है, तो आपके ग्राफ वक्त के साथ कम होती जा रही है, है ना। दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो नेगेटिव, वी इज नेगेटिव। नेक्स्ट 1.2 सेकंड्स पे, 1.2 सेकंड्स पे आप देखोगे ग्राफ आपकी ऐसी है, लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी बढ़ रही है वक्त के साथ, वेलोसिटी पॉजिटिव। और -1.2 पे सेम चीज, -1.2 में अगर आप देखोगे ऐसी बनेंगे ना ग्राफ, अगेन यहां पर आप देखोगे पॉजिटिव है, लगेगा आपको देखकर कि असर ये सर ये तो ऐसे है ग्राफ, नेगेटिव में, नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट है, बग नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ सकती है ना, जरूरी थोड़ी कि भाई वो कम हो, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ सकती है। तो यहां पर आपको स्लोप आया है लेस देन 90, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए भी मैं आपको नोट और शॉर्टकट दे देता हूं। अगर ग्राफ ऐसे है कॉनकेव शेप्ड, ठीक है, सॉरी कॉनकेव बोले तो कॉन्वेक्स शेप हो गया ना, अगर आपका ग्राफ ऐसे और कॉन्वेक्स शेप है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर कॉनकेव शेप्ड है तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये याद रखो, इसको याद करने का तरीका, भाई देखो ये नेगेटिव है, अगर मैं ऊपर आंखें बनाऊंगा तो सैड हो गया नेगेटिव, और अगर यहाँ पर आंखें बनाऊंगा देखो हैप्पी हो गया, तो हैप्पी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यू आर पॉजिटिव दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा ब्रो आपको, समझ रहे हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखते हैं, 0.3 सेकंड्स पे एक्सेलरेशन, आप देखो कर्व कैसा है, कर्व ऐसे स्माइल कर रहा है, कर्व ऐसे स्माइल कर रहा है ना, स्माइल नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। 1.2 सेकंड्स पे देखो ग्राफ कैसा है, उदास हो गया, नेगेटिव। यहां पर कैसा है, यहां पर भी स्माइल कर रहा है ब्रो, अरे ये भी पॉजिटिव। कितना आसान होता अगर अभिषेक सर का सेशन पहले देख लेते, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, जब हमने सीखा हुआ है एक्सेलरेशन, वहां पर मैं ग्राफ अगर मैं सब ये सिखाया हुआ, मैंने देखते नहीं हो, बढ़िया गाइस मजा आ गया। चलो भाई, तो इनका सबका वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे हमारे सही है कि नहीं। तीसरे वाले में एक नेगेटिव दो पॉजिटिव है ना, तीसरे वाले में नेगेटिव बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दूसरे वाले में एक्स ग्रेटर देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो, करेक्ट, पहले वाले में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स लेस देन जीरो बी इज नेगेटिव ए पॉजिटिव, ठीक है, बराबर गाइस, हमने जो जो बोला बिल्कुल सही, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट सवाल, फिगर गिव्स द एक्स टी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, थ्री डिफरेंट, ये अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, याद करने की चीज दोबारा, स्लोप हमें यहां पर क्या देगी, वेलोसिटी देगी। ठीक है बेटा, वही सेम चीज, स्लोप अगर ग्रेटर देन 90 है तो फिर वो नेगेटिव स्लोप होगी, लेस देन 90 है तो फिर वो पॉजिटिव स्लोप होगी, सेम चीज है। थ्री डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर शोन, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज द लीस्ट, तो यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है और सबसे कम कहां पर है, तो स्लोप जहां पर सबसे ज्यादा होगी वहां पर आपका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और जहां पर सबसे कम होगी वहां पर सबसे कम होगा, क्योंकि स्लोप इस वेलोसिटी, यहां पर स्लोप को वेलोसिटी देता है, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा वेलोसिटी, जितना कम स्लोप उतना कम वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पर मैं अगर देखूं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर मैं बना लेता हूं, तो ये मेरा स्लोप है पहले टाइम इंटरवल में, दूसरे वाले में अगर मैं देखता हूं तो इस पॉइंट पे ये मेरा स्लोप है, ठीक है, सही है। तीसरे वाले में अगर मैं देखूं तो इस वाले पॉइंट पे मेरा पूरा ऐसे स्लोप बन रहा है,
देखकर ही समझ में आ रहा है कि भाई यहां पर स्लोप ऐसा और यहां पर स्लोप ऐसे, ढलान से एकदम चढ़ाई एकदम ऐसे उतराई कि भाई मर जाएंगे। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव स्लोप है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम तो यही स्लोप है ना। सो थ्री, सो योर ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड इज इन द थर्ड वन, तीसरा इज योर ग्रेटेस्ट एंड सबसे छोटा स्लोप तो ये वाला सेकंड वाला दिख रहा है ना, सेकंड वाला इज योर लीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तीनों के लिए आपको साइन बताना है। ये तो हमने देख लिया, दोनों लेस देन 90 डिग्री है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और यहां पर ऑफकोर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, इतना इजी सवाल कभी देखा हुआ है, सही बोल रहा है ना। ग्रेटर इन थ्री, लीस्ट इन टू, वी ग्रेटर देन जीरो इन वन एंड टू, लेस देन जीरो इन इंटरवल थ्री, बिल्कुल सही जवाब यार। कितना आसान हो गया ना, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लगना चाहिए भाई, वरना बता देना मेरे को, वरना बोलूंगा मैं काहे ही पढ़ा रहा हूँ अगर आसान नहीं लग रहा तो। ठीक है, ये सवाल क्या कहता है, फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन अ मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि आपको ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो आपको एक्सेलरेशन के बेसिस में भी सवाल इस सवाल में पूछा जा सकता है। ठीक है, बट ध्यान देना कि सर यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकाले, अरे ब्रो स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, चलो, वो जो मैंने सैड वाला ग्राफ और हैप्पी वाला ग्राफ बताया था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, उसमें देखकर एक्सेलरेशन बता सकते हो, यहां पर वैसे मत बताना, यहां पे तो स्लोप ही आपको एक्सेलरेशन देगा, वो क्यों देखोगे आप, समझ गया ना बात। ठीक है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, थ्री इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट। भाई एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट कहां से पता चलेगा, स्लोप से। यहां पर वो मत देखना कि सर कहां पर सबसे बड़ा स्माइल है, कहां पर सबसे ज्यादा उदास है, नहीं, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन आपको स्लोप दे देता है, आप देख लो कहां पर ज्यादा चढ़ाइए कहां पर ज्यादा उतराइए, ये देख लो भाई, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री स्लोप तो फिर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, लेस देन 90 डिग्री आपका स्लोप तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बस यही सेम चीज, यही सेम चीज देखना है। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रेटेस्ट कहां पर है, भाई यहां पर स्लोप तो इतू सा है, बी पे, हाँ बी पे तगड़ा स्लोप दिख रहा है मेरे को एकदम, बी पे बहुत तगड़ा स्लोप दिख रहा है, डी पे दिट आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है यार, कोई स्लोप ही नहीं है वहां पर। सो आपका ग्रेटेस्ट एवरेज एक्सेलरेशन सेकेंड इंटरवल पे होना चाहिए ना, हाँ सेकेंड इंटरवल पे आपका ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन होना चाहिए, सेकेंड पे आपका ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्लोप वहीं पे है ना, ढलान सबसे ज्यादा वहीं पे हो रही है ना। पर इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, भाई स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में कौन से पॉइंट पे आपका सबसे ज्यादा स्पीड है, वन पे, टू पे या थ्री पे, थ्री पे है ना, थ्री पे तो ग्राफ ही दे रहे आप, थ्री आपका स्पीड ग्रेटेस्ट। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइंस ऑफ वी एंड ए इन द थ्री इंटरवल्स। या देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव है ना, पूरा पूरा ग्राफ एक ही क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो स्पीड के सारे वैल्यूज पॉजिटिव है। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन ऑल द इंटरवल्स, वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन ऑल द इंटरवल्स, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट बिकॉज इट्स इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ना। ए का एक्सेलरेशन, का एक्सेलरेशन कैसे बताओगे भाई, यहां पर तो ए पॉइंट थ्री में तो आपका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि स्लोप ही नहीं है, और इस वाले में लेस देन 90 डिग्री है तो एक्सेलरेशन यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है, सेम। अच्छा, पॉइंट्स, व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, एक्सेलरेशंस एट पॉइंट ए बी एंड सी डी बताना है। तो ए पे जीरो, वाई स्लोप इज जीरो, बी पे अगेन स्लोप इज जीरो सो एक्सेलरेशन इज जीरो, सी पे स्लोप इज जीरो एक्सेलरेशन इज जीरो, डी पे एक्सेलरेशन जीरो, सब जगह जीरो ही है, क्यों, क्योंकि भाई सब जगह स्लोप जीरो है, सब जगह पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल पैरेलल, सब जगह पैरेलल होंगे। ठीक है, ओके, डन ब्रो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ओ खत्म हो गया, क्या बात है गाइस। तो इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग सा सेशन खत्म होता है ब्रो, आई रियली होप ऑलवेज एंजॉय टुडे सेशन बिकॉज आई लिटरली एंजॉयड इट, व्हाट अमेजिंग क्वेश्चंस, व्हाट अमेजिंग टॉपिक्स, आई लव्ड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अगर आप लोगों को मोशन ने प्लेन का भी ऐसे ही अमेजिंग सा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मोशन ने प्लेन का वन शॉट भी चाहिए तो वोट फॉर बोथ ऑफ इट इन द कमेंट सेक्शन, अगर 100 कमेंट से ज्यादा आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले कर लेंगे दिमाग की एक और बार, क्या कहते हो। ठीक है, बस आप लोग ये भी बता दो कि भाई ये सवाल से कुछ नहीं है, अगर आप जेईई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटा आपको इससे कहीं और ऊपर लेवल के सवाल प्रैक्टिस करने हैं, ये आपके स्कूल के लिए बहुत काम आएंगे, कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंट होने के लिए काम आएंगे,
लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है जेई और नीट में, तो आपको डाउनलोड करना चाहिए हमारा तत्व का बुक, और तत्व बुक जो है आपके घर तक हम पहुंचा देंगे हार्ड कॉपी के थ्रू। क्योंकि तत्व बुक में अगर आप देखोगे ना, सिंपल सी बात है यार, तत्व बुक जैसे आप देखोगे कलरफुल किताब है, मजा आ जाता है देखकर, और इसमें हर एक टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है टिप्स एंड ट्रिक्स और सारे शॉर्टकट्स के साथ, पॉइंट बाय पॉइंट है, एक भी पैराग्राफ नहीं है। और अगर मान लो अगर आपको पढ़कर भी समझ नहीं आता है ना, तो हर एक पेज के बॉटम में आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना तो फिर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस दिखा देंगे, यानी कि उस पेज में जो टॉपिक है वो टॉपिक का वीडियो आ जाएगा। कितनी अमेजिंग बात है, तो वीडियो देखकर समझ जाना। अब मान लो तो ये किताब क्या होगी भाई, किताब आपकी सिर्फ किताब नहीं है, ये वीडियोस का भंडार भी है, हजारों लाखों वीडियोस इसमें इंटीग्रेटेड है, बस पड़े हुए हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं, आप ले जाओ। तो पढ़ाई करने के बाद देख कर पढ़ लिया, पढ़कर देख लिया तो मजा आ गया, अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो हम ना सीधा आपको पीवाईक्यूज नहीं करवाते, हम हर टॉपिक के आपको 10 से 15 सवाल करवाते हैं, जो हमारा होता है एक्सरसाइज नंबर 1, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें आप हर टॉपिक में स्ट्रांग होने की कोशिश करते हो, इससे में हो जाते हैं 100-150 सवाल हर चैप्टर में होते हैं। उसके बाद फिर आता है पीवाईक्यूज का सेक्शन, जो नीट के लिए आता है, जेई के लिए भी आता है, जहां पर आपको पिछले 20 से 30 साल के सवाल होते हैं, 20 से 30 साल के। लेट मी टेल यू गाइस, सिर्फ जेई या नीट का सवाल नहीं, इस पूरे देश में जो सारे मेजर एंट्रेंस टेस्ट है ना, सारे मेजर कॉलेजेस के, उन सब के पिछले सवाल आपको दिए जाते हैं। होता होगा आपके लिए शायद आईआईटी या तो फिर नीट इतना, मतलब एम्स इतना इंपॉर्टेंट है, कोई आप अपने कॉलेज भी देख रहे होंगे जो जिपमर हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज देख रहे होंगे, तो उन सबके सवाल दिए जाए। जेई का उठाओगे तो यू विल फाइंड आउट कि भाई एक्सरसाइज नंबर 3 होगा, जहां पर जेई एडवांस के पिछले 20-40 सवाल के सवाल होंगे, नीट में आपका तीसरा जो एक्सरसाइज होगा और जेई का जो चौथा एक्सरसाइज होगा वो होगा आपका अचीवर सेक्शन, जिसमें देखो बेटो इन सवालों कर लिया ना तो फिर आप समझ लेना कि आप गॉड लेवल पहुंच चुके हैं, आपके टॉप ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, डन, समझ गए। अब इन सारी चीजों का सोल्यूशन विद आंसर कीज आपको एंड में दिया जाएगा, एंड वहां पर भी क्यू आर कोड होगी, स्कैन करोगे तो फिर सोल्यूशन डिटेल्ड वाले आपके सामने आ जाएंगे। तो भाई ले लो जाकर, 10% ऑफ मेरा लगा हुआ है अभिषेक से अंडरस्कोर, मतलब अभिषेक सर का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, AK Pro मेरा कूपन कोड है, 10% ऑफ मिल जाएगा दोनों किताबों, मतलब ये 11, 12 दोनों मिलाकर आपको मिल जाएंगे। जेई का आपको मिलता है 4,222 रुपए पे, 10% ऑफ लग जाता है तो इट कम्स अंडर 3,899 समथिंग, और अगर आप नीट करने जाते हो तो भाई वो 3,777 पे होता है, और आपको डिस्काउंट के बाद सीधा आपको सीधा मिल जाता है 3,339 पे मिल जाता है। अमेजिंग किताब, 25 किताबों का सेट है फॉर नीट, 22 किताबों का सेट है फॉर जेई, 11, 12 दोनों मिलाकर। सिर्फ 11 का लेना है तो सिर्फ अगेन वो भी ले सकते हो आप, ऊपर का सेक्शन में आपको नीट या जेई लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, वेदांत तत्व बुक्स में जाइए, एंड विल फाइंड आउट ऑल दी वेरिएशन, सब में मेरा कूपन कोड एप्लीकेबल है। तो जाइए बच्चों, एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।